यस एवरीबॉडी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून चलिए जी सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा जितने भी हैं मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ बट हाँ सबको वेरी गुड आफ्टरनून है ठीक है जी और मैं आप लोग को सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप लोग अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो भैया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो बहुत सारे बच्चे जो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि सर हमको पता ही नहीं था आप कब लेक्चर लिए थे तो जो भी नया जुड़ रहा है आज इस पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है मैंने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं पूरा लॉ और पूरा बी करवाऊंगा पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और मैंने करवाया भी था ठीक है जी जो बच्चे रेगुलरली जुड़े हुए हैं उनको पता है तो लॉ हमारा पूरा सिक्सटी मार्क्स का विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड राइटिंग प्रैक्टिस हुई थी ये जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं आप बिल्कुल इनसे पूछ सकते हो टेलीग्राम में भी डिस्कशन होता है तो लाइक मैंने लगभग सब पढ़ाया था एंड दैट वाज एब्सोल्युटली फ्री एंड दैट वाज अ इंडिपेंडेंस गिफ्ट फ्रॉम माय साइड एंड बी का ऐसा हुआ था पहली बात मैं बता दूँ बी का कोई आज मैराथन नहीं कोई मैराथन नहीं है कुछ भी नहीं है ये रेगुलर लेक्चर जो हमारे होते हैं वो ही है बी का हमने पैसेज कर लिया है बी का हमने नोट मेकिंग कर लिया ये दोनों फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं बी के कंपलसरी और उसके साथ लेटर हमने कर लिया है तो पहला क्वेश्चन दस मार्क्स का कंपलसरी होता है ठीक है जी और उसके बाद जो लेटर आता है वो पाँच पाँच मार्क्स के आते हैं मैंने जब इंट्रोडक्शन क्लास ली थी बी की तो पूरे बायफर्केशन बताए थे यहाँ जितने भी बच्चे हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स वोट्स या जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो ठीक है चलिए तो आज कोई मैराथन नहीं है आज रेगुलर लेक्चर है जो हमारा बी का जो हमारा बी का जो पार्ट छूट गया था वो बी का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे और मैं पूरा करवा के लूँगा उसको तो कई बच्चों का था सर वापस से करवा दो बेटा 19 दिन की क्लास ली थी 19 दिन की और 19 दिन की क्लास में ऑन एन एवरेज रेगुलर तीन घंटे पढ़े अपन अब तू 19 इंटू थ्री कर ले बेटा जो भी जिसका भी छोटा है तो बेटा वो वापस से पॉसिबल भी नहीं ना इतना टाइम मेरे पास अब है ना इतना पास इतना टाइम आपके पास है तो वो जितने भी लेक्चर्स हमने पहले लिए थे 19 दिन के मिनिमम तीन घंटे के रोज सुपर लेक्चर थे मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आया था बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आया था वो पूरे लेक्चर्स मेरे ऐप में अवेलेबल है ब्रह्मास्त्र रिविजन लेक्चर करके फोर्टी फाइव आवर्स के हैं वो रिविज़न है वो फोर्टी फाइव आवर्स का तुम समझो कितना मैं रिविजन इनडप्ट कराया था मैं तो आप बहुत नॉमिनल प्राइज में बहुत नॉमिनल प्राइज में वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो जिसको भी चाहिए दोबारा तो भाई आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है ठीक है जी अब इसके अलावा मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ मतलब मैं आप लोग से इनपुट चाहता हूँ जितने भी बच्चे उस समय मेरे से पढ़े थे जितने भी बच्चे उस समय मेरे से पढ़े थे मुझे आप प्लीज़ बताएँगे बी में मैंने आपके लिए क्या क्या करवा दिया मैं आपको साइड में ना लिखते भी जाऊँगा आप प्लीज़ बताएंगे क्या जो जो किए थे कि बी में अपन ने क्या, क्या क्या कम्प्लीट कर लिया एक बार बताएंगे क्या मुझे प्लीज़ बताइएगा ठीक है अनीश प्राइस पूछ रहा है बेटा लेकिन यार मैं मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई प्लीज़ जाके आप ऐप में जाके देख लो यार प्लीज़ बहुत नॉमिनल प्राइस है थोड़ी सी मेहनत लगेगी वहाँ देख लो मैं बिल्कुल मार्केटिंग के मूड में नहीं हूँ मैं बिल्कुल पढ़ाने के मूड में आया हूँ दोस्त प्लीज़ वहाँ जाके देख लो ठीक है चलिए तो बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं नोट्स करा दिए थे लेटर करा दिए थे पैसेज नोट मेकिंग लेटर ये सारी चीज़ हो गई थी ठीक है चलिए बच्चों मेरे को आप लोग प्लीज़ बताओगे क्या एक एक करके हमने ना क्वेश्चन नंबर वन का ए कर लिया था पैसेज कर लिया था मेरे को बताओगे क्या कितने पैसेज किए थे हम लोगों ने आ मुझे आप लोग बताओगे क्या कितने पैसेज किए थे हम लोगों ने कितने पैसेज किए थे मुझे कोई ये बताएगा क्या प्लीज़ टोटल कितने पैसेज मैंने आपको पूरे करवाए थे इधर उधर हार्ड टफ इजी मिला के टोटल कितने पैसेज मैंने आपको करवाए थे ठीक है मास्टर रियलिटी विथ हैक्स का आ रहा है छः से सात कोई आठ बोल रहा है कोई दो से तीन बोल रहा है तो दो से तीन तो है ही नहीं पिछले चार साल के तो मैंने पैसेज कराए थे जो पिछले चार साल में आए थे तो चार तो वही थे और एक्स्ट्रा भी कराए थे मैं ऑन एन एवरेज ले लेता ले ले हूँ पाँच से छः पैसेज मैंने कराए थे ठीक है मैं क्वेश्चन बी में जाता हूँ नोट मेकिंग में मेरे को आप लोग बताएंगे नोट मेकिंग मैंने आप लोग को कितनी सारी कराई है नोट मेकिंग कितनी सारी कराई है मैं बता सकता हूं क्या प्रिया बेटा सीएस के लिए नहीं है ये वीडियो सीएस के लिए नहीं है सीएस के लिए नहीं है नोट मेकिंग मेरे को कोई बताएगा कितना हुआ था नोट मेकिंग हमारा ठीक है चलिए मैं नोट मेकिंग को ऑन एन एवरेज ले लेता हूं पांच ठीक है और लेटर प्लीज मेरे को बता देना मॉड्यूल के ही लेटर अपन ने किए थे तो लेटर अपन ने कितने कर लिए थे मुझे बताना एक बार लेटर हम लोगों ने कितने कर लिए थे और मेरे को ना कोई ना ऐसे टॉपिक का नाम भी बता देना कौन कौन से लेटर और मैंने होमवर्क भी दिए थे अगर आपको याद होगा और मैंने बोला भी था कि आप मेरे को भेजना अनफॉर्चुनेटली मैं ही उसको चेक नहीं कर पाया लेकिन लेटर की प्रैक्टिस अपन ने की थी ठीक है जी <laughs> अभिषेक शर्मा बोल रहा है दस बारह नहीं बेटा दस बारह तो नहीं थे तीन खुद से लिखे थे और ये था सर लेटर ज़्यादा नहीं हुए थे चार हुए थे चलो तो मैं लेटर बोलता हूँ मैंने चार लेटर करवाए थे और मैं बोल सकता हूँ कि तीन लेटर मैंने होमवर्क में दिए थे बराबर है चार लेटर प्रैक्टिस करा दिया था तीन होमवर्क में दिया था आपके हिसाब से मोटा माटी ठीक है चलिए तो ये टोटल कितने मार्क्स के हो जाते हैं बच्चों ये टोटल कितने मार्क्स के हो जाते हैं गणेश पूछ रहे सी ए फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट के कॉम्बो कहाँ से बेटा ये नंबर पे कॉल कर ले सिक्स टू सिक्स टू सिक्स टू वन फोर थ्री एट लेक्चर के बाद मैं तुझे बता देता हूँ ठीक है ठीक है तो पंद्रह मार्क्स पंद्रह मार्क्स का बायोफर्केशन एक बार अपन समझते हैं पाँच मार्क्स का तो पैसेज पाँच मार्क्स का नोट मेकिंग और पाँच मार्क्स का अपन ने लेटर किया था और मैंने अपने गले को फाड़ फाड़ के फाड़ फाड़ के इसको और इसको और इसको, और इसको बोला था ये आएगा ही आएगा बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है होमवर्क करके आना ठीक है अब क्या हुआ है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस बारे से ये बोलते हैं कि सर मैंने ना चालीस मार्क्स का कुछ भी नहीं कराया तो खैर चलो आप तो फ़ेस टू फेस स्टूडेंट्स हो मेरे को पूरा चैट देखा था मैंने कि कौन कौन बोल रहा था कि नहीं करा और कौन कौन उसमें हाँ बोल रहा था तो भाई ये आपके सामने बच्चे हैं जो मेरे फ़ेस टू फेस के भी नहीं मेरे ये यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं अब सारे तो झूठ बोलेंगे नहीं है कि नहीं तो खैर जो बच्चों को पता नहीं है मैं उनको बताना चाहता हूँ कल थोड़ा सा ग्रुप में माहौल क्रिएट कर रहे थे कुछ लोग कि सर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ चालीस मार्क्स का कुछ भी नहीं हुआ बोले तो भाई बताना चाहता हूँ ये सारी चीज़ ये सारी चीज़ मैंने करवाई है और इतनी समझ तो यार मेरे YouTube वाले बच्चों को भी है कुछ कुछ बच्चों तो बोल भी रहे थे कि सर बिजी है लेकिन वो अपने टाइम से सारी चीज़ करवा देंगे तो यार मैं ना तुम लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुम कहीं पे भी कुछ भी बोलने से पहले मतलब एक बार ना मेरी एक बार मेहनत को झांक के देख लेना पीछे जो मैंने उन्नीस घंटे जो पढ़ा उन्नीस दिन की क्लास की थी ना यूट्यूब में अनाउंस किया बोला सबको टेलीग्राम में जुड़ जाओ एक एक चीज़ लिखवा के लिया तो यार तुम ना मतलब ना मैंने वहाँ पे पानी पिया ना मैंने वहाँ पे खाना खाया कई बार मैंने लंच भी स्किप किया कई बार मुझे भी भूख लगती रहती थी लेकिन फ्लो बने रहता था तो मैं जाता नहीं था तो कम से कम यार उस मेरी मेहनत का कदर करके कम से कम आगे बोलने से पहले यार एक बार सोच लिया करो यार बहुत तकलीफ़ होती है यार ऐसे सुनने में यार मतलब जब तुम जाके ऐसे बोलते हो कि सर चालीस मार्क्स में कुछ भी नहीं हुआ सर सिर्फ लॉ ही हुआ है साठ मार्क्स का यार मतलब ये तो बता दो एटलीस्ट ये चालीस मार्क्स में पंद्रह मार्क्स मैंने करवा के लिए थे बड़ा दुख होता है यार ये सुनने के बाद कि मैं तीन तीन घंटे पढ़ा रहा हूँ मैं खाना पीना भी छोड़ दे रहा हूँ कभी मैं लंच भी स्किप किया हूँ फिर मेरे बाकी के भी क्लास रहते हैं फिर मतलब हर चीज़ करवाने के बाद एंड दैट टू इस पैंडेमिक में मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा कि आप मेरे रिकॉर्डेड डाउनलोड करो मैं लाइव आके आपको पढ़ा रहा हूँ इनको भी पढ़ा रहा हूँ आपको भी पढ़ा रहा हूँ यार तो कम से कम यार कुछ बोलने के पहले कम से कम ये तो कदर कर लो कि सर इतना हुआ है बाकी बचा हुआ है सर बाकी सर ने नहीं कराया तो ना वो भी मेरे को पच जाता सीधा कल के ग्रुप में ऐसा हुआ कि भाई हुआ ही नहीं है बोले सर 40 मार्क्स हुआ ही नहीं है अरे एटलीस्ट ये बोल दो तो सर 40 में 15 हुआ है 25 सर करवा ही नहीं रहे ये भी बोलते तो मैं समझ जाता जबकि मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं करवाऊंगा नहीं तो भाई थोड़ा सा देख लो ये तुम्हारे सामने सबूत है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ ही रहे हैं अब कुछ बच्चे लेट से जागे ठीक है।, है कुछ बच्चे लेट से जागे हैं लेट से कैसे जागे हैं सर हमको पता ही नहीं था लेक्चर हुआ है तो भाई मैं आपके ना इस बताना चाहता हूँ आप लोग पोगो देखो घर पे बैठ के आप लोग घर पे बैठ के पोगो देखो आपके बस का नहीं है बेटा जब आपको मैं WhatsApp में दुनिया के स्टेटस डाल रहा हूँ टेलीग्राम में सबको बता रहा हूँ यूट्यूब में आके बता रहा हूँ और फिर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मेरे हिसाब से तो आप किसी दूसरे गोले में रहते हो अंतरिक्ष के किसी दूसरे गोले से आए हो आप लोग समझे क्या तो पता ही नहीं चला मतलब इतना हल्ला करने के बाद मतलब बस ये था न्यूज़पेपर में छपाना बाकी था बस पूरे दुनिया जहान में हल्ला हो गया था हाँ ठीक है तो भाई आप लोग थोड़ा सा मतलब मेरे ना थोड़े मेहनत का रिस्पेक्ट कर लो यार मेरा मत करो मेरी मेहनत की रिस्पेक्ट कर लिया करो कभी कुछ भी बोलने से पहले ना सोच लिया करो पहले उसके बाद बोला करो और मज़े की बात क्या है पता है क्या जो बच्चे सामने अच्छे हैं वही पीछे हैं वही पीछे मजे ले रहे हैं मतलब यार ये गजब हो गया यार तकलीफ़ है मेरे से एक बात करो मैं ये वाले या बच्चे जो हैं जो टेलीग्राम में ये मेरे को बराबर मैसेज करते रहते हैं मैं इनको बताते रहता हूँ क्या है कैसा है करके समझे क्या हाँ भैया बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो आप लोग यार सब्सक्राइब करो बेल आइकन को क्लिक करो जो आ रहा है थोड़ा सा समय निकाल के देखो कि सर क्या अनाउंस कर रहे हैं बिल्कुल अपन करेंगे ठीक है चलिए ये एक बात थी जो मुझे बोलनी थी मैंने ये करके ले लिया ठीक है ठीक है ठीक है चलिए जाने दीजिए ये सब में अपन फालतू बात नहीं करते हैं अपन वापस से अपने क्लास को शुरू करते हैं ठीक है क्लास शुरू करते हैं आगे और आ, सबसे पहले क्या बोलने वाला था मैं हाँ मैराथन के बारे से तो हार्डली अपना जो बी बचा है ना तो बी सी हार्डली जो अपना है 25 मार्क्स का बचा हुआ है 25 मार्क्स में आप ये समझ लो 6 मार्क्स आज के आज हो जाएंगे 6 मार्क्स 25 मार्क्स से आप 6 मार्क्स और हटा दो बचेंगे 19 मार्क्स मुझे हार्डली मुझे हार्डली पाँच दिन लगेंगे ये पूरा ख़त्म करने में ठीक है तो अपना बी सी भी हो जाएगा लॉ मैंने ऑलरेडी करवा दिया है बराबर है और जो मेरे फेस टू फेस वाले बच्चे हैं उनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी है ठीक है जी तो हार्डली मेरे को पाँच दिन लगेंगे मैं आपका बी भी खत्म करवा दूंगा एंड मैं क्यों क्यों मैं इतना लेट कर रहा था मैं आपको बताता हूं जैसे कम्युनिकेशन वाला ये रटने वाला चैप्टर है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा ध्यान में रखना पड़ेगा मैं अगर बहुत पहले करवा देता ना बहुत पहले ये आपका सफा चट हो जाता सफा चट साफ दिमाग से वैनिश फॉर्मेट अब क्या होगा आप सब डरे हुए हो डरे इन द सेंस सिंसियर होगा वो एग्जाम के लिए तो मेरा प्लान यह था कि भाई लास्ट लास्ट में जो रट्टाफिकेशन वाला है ना ये लास्ट में कराऊंगा ताकि ध्यान पे रहे तो ये छह मार्क्स तो कहीं जाने नहीं चाहिए क्योंकि पैसेज में नोट मेकिंग या लेटर में रटने का कोई जरूरत नहीं वहां पे प्रैक्टिस वाला बात था तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि वो चीज़ पहले करवा दूंगा जो बाद तक ध्यान रखने की जरूरत नहीं है अब ये ध्यान रखने वाली चीज है तो ध्यान रखने वाली चीज़ को इसीलिए मैं क्या किया ध्यान रखने वाली चीज को इसीलिए मैं क्या किया अभी लास्ट में ले रहा हूं जैसे ही ये हो जाएगा मैं आपका कुछ अराउंड समझ लो दस से पंद्रह तारीख के बीच में मैं मैराथन लाऊंगा और मेरा मैराथन ऐसा नहीं होगा मैं एक दिन आऊँ खटाखट 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 सब बोल के चले जाऊँ मैराथन में करवाऊंगा, कम से कम कम से कम दो दिन या चार दिन का करवाऊंगा, तभी वो मैराथन का एक इफेक्टिवनेस आता है ठीक है तभी वो मैराथन का एक इफेक्टिवनेस आता है तो मैराथन भी होगा लेकिन इसके बाद होगा और इस और इसको मैं लास्ट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये याद करने वाली चीज है, कर तो है, है।, तो है बहुत पहले करा दिया खुद बोल दिया कि आपको प्रैक्टिस करनी है मेकिंग खुद प्रैक्टिस करवाया आपको भी दिया लेटर भी करवा दिया तो ये मेजर था अब ये छे मार्क्स का और हो जाएगा ठीक अब बचा 19 मार्क्स उसकी भी स्ट्रैटेजी तुम देखो कि क्या ही बचा है उसमें मैं अभी आपको बताता हूँ हालांकि मैंने बहुत स्टार्टिंग में बता दिया था कि बीसीआर में इतना लोड लेने का है ही नहीं चालीस मार्क्स आपके लड्डू आपके जेब में है और मैं दिलवा रहा हूं ठीक है ये हो गई अब तक की बात अब जब मैं बी का कम्युनिकेशन शुरू कर रहा हूं इसमें मैं एग्जाम्पल भर भर के भर भर के दूंगा यू हैव टू बी फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड अगर आपको ये छे मार्क्स आज के आज आज टिप्स पे चाहिए ना कि मैं बस ना एक बार अपने से पढ़ूँ और मेरे को याद रहे तो यू हैव टू बी फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस लेक्चर क्योंकि बाकी जगह जो मैंने जनरली देखा बस रीड कर दिया रीड करके उसको समझा दिया बट जब तक उसके सिनारियो में आप उतरोगे नहीं जब तक आप उसका एग्जाम्पल बताओगे नहीं बच्चे को वो हिट नहीं मारता है वो बैठता नहीं है दिमाग में तो मैं एग्ज़ाम्पल भी दूंगा मैं प्रॉपरली समझाऊंगा भी और ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है छः मार्क्स का आता है आपको छे मार्क्स का आता ही है दो मार्क्स का दो मार्क्स का दो मार्क्स का ऐसे छह मार्क्स का आएगा बराबर है क्या तो आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना इसको और याद कर लेना मैं उम्मीद करूंगा जब मैं यहां पे रिपीट करूंगा ना चीजों को तो आप वहां पे घर पे बैठ के रिपीट कर रहे हो और वो पंद्रह मार्क्स के साथ ये छह मार्क्स इक्कीस मार्क्स आज आपके जेब में हो जाएंगे सो लेट्स बिगिन हाउइ द जोश एकदम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ शुरू करते चलिए फटाक से आते हैं जी ठीक है हाँ जी भाई सब लाइक कर दो अब अपन आ जाते हैं अपने फॉर्म में फुल फॉर्म में जैसे अपन करते थे 156 लाइव लर्नर है मेरे पास फॉर 96 लाइक्स है मेरे को पूरे के पूरे 156 लाइक दे दो एक बार और शुरू करते हैं अपन ठीक है चलिए चलिए बहुत बढ़िया ठीक है बिग बीस्ट बोल रहा है सर पेपर कब है बेटा पेपर नौ तारीख से अरे उमेश मेरे भाई आ गया तू चलिए सो एवरीबॉडी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अपने को छ मार्क्स का आने वाला है यहां पे जो कम्युनिकेशन लिखा हुआ है इसको बाद में पढ़ेंगे पहले मेरे से सुन के लो कम्युनिकेशन क्या होता है ये जो मैं कर रहा था इतनी देर से क्या कर रहा था कम्युनिकेशन कर रहा था आप मेरी बातें सुन के जो यहाँ पे रिप्लाई कर रहे थे कि नहीं सर आपने कराया है सर आप इमोशनल हो गए अरे नहीं सर हम आपके साथ हैं आप बिल्कुल सही हो ये क्या है कम्युनिकेशन है समझ में आई क्या बात वो बीच में बच्चा आके पूछ रहा है कि कॉम्बो किधर मिलेगा मैंने उसको रिप्लाई किया वो कम्युनिकेशन है यही है ना कम्युनिकेशन तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकेशन में एक बंदा दूसरे बंदे से या तो दूसरे बंदे से या तो इंडिविजुअली लेकिन आप लोग इंडिविजुअली तो हो नहीं आप तो पूरे मास में जुड़े हुए हो मास में यानी कि डेढ़ सौ की, की दो सौ की जनता में हो तो एक बंदा बात कर रहा है मास को कम्युनिकेट कर रहा है मैं यहाँ पे क्या बांट रहा हूँ तुमसे नॉलेज बांट रहा हूँ स्टार्टिंग में अपनी फीलिंग्स बांटा मुझे हर्ट हुआ बहुत ज़्यादा है ऑनेस्टली ठीक है अपने इमोशंस बांटा आप लोग के साथ तो मैंने आपके साथ नॉलेज बांट लिया मैंने अपने आपके साथ अपने इमोशंस बांट लिए मैंने आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशंस बांट ली बराबर है क्या ठीक है जी यही तो कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन की प्रोसेस में भी समझेंगे रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे अपन पहले डेप्थ में तो जाएंगे कंसेप्ट की फिर इसको पढ़ेंगे थ्योरी में पहले नहीं जाएंगे पहले कंसेप्ट में जाएंगे फिर थ्योरी में जाएंगे तो ये क्या है सारी चीज़ें कम्युनिकेशन है ना कम्युनिकेशन में आप या तो कोई जानकारी शेयर करते हो अभी इतनी देर से मैं जानकारी ना शेयर कर रहा था आपसे कि 19 मार्क्स का बचेगा फिर ऐसा होगा ठीक है नॉलेज शेयर किया कुछ इमोशंस कुछ फीलिंग शेयर किया जैसे कि आप लोग करते हो क्लास में जब स्कूल में रहते थे ना पहले लोग तो लड़कों का गुड बना रहता था एक लड़की आती थी सुंदर सी बोले भाई तेरी माल आ गई भाई तेरी माल आ गई ऐसे करके या तेरी भाभी आ गई ये क्या है इमोशंस है ये हैप्पीनेस है आप अपने इमोशंस आप अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहे हो सामने वाले को समझे क्या ठीक है समझ में आई क्या बात तो ये क्या है कम्युनिकेशन तो भाई कम्युनिकेशन सिर्फ बातों से नहीं होता है सिर्फ बातों से नहीं होता है कम्युनिकेशन ये जो एक्सप्रेशन ये जो अपन ने एक्साइटमेंट दिखाई ना अंदर से भाई तेरी माँ लगाई और कई लोग क्या करते हैं कई लोग क्या करते हैं मुंह से नहीं बोलते मुंह से नहीं बोलते मुंह से, से नहीं बोलते ऐसे करते जैसे दोस्त खड़ा है कुछ बोला नहीं ये भी तो कम्युनिकेशन है ये भी तो कम्युनिकेशन है और भाई वहाँ से स्माइल कर दिया अरे भाई तेरी भाभी है करके समझ में ही क्या बात ये भी तो कम्युनिकेशन है सो कम्युनिकेशन यहाँ पे जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ समझ में ही क्या बात जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ ठीक है ये इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में और ये आपको इंस्टीट्यूट ने क्यों दिया आपको पता है क्या अरे आप सी ए फाउंडेशन इंटर के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन कैसे होता है कोई अगर ऐसे करके बैठा है आपको देख रहे तो उसका मतलब क्या आपको समझ में आना चाहिए सो कम्युनिकेशन में आप ये मत समझो बोल दिया अगला समझ गया कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पीछे विज्ञान है इसके पीछे एक साइकोलॉजी से खेलने वाली चीज़ें है ये समझ में आई क्या बात समझ में आई क्या बात ठीक है तो यस यस ठीक है तो ये कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो कम्युनिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो ठीक है कम्युनिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो ख्यालों में कम्युनिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो और कम्युनिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है यार जिसको थ्योरी कम पड़ जाएगी समझाने में लेकिन आपको बस इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जब आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करोगे तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको समझना होना चाहिए सो so, कम्युनिकेशन सिर्फ बोल से नहीं होता है कम्युनिकेशन सिर्फ इशारों से नहीं होता है मैं ये वाली उंगली नहीं उठा रहा हूँ ये वाली ये वाली उंगली नहीं उठा रहा हूँ आप समझ सकते हो वो भी एक कम्युनिकेशन होता है बराबर है क्या तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिर्फ इशारों से नहीं होता है कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा साइंस है ये पूरी थीम ये पूरा जहन में अगर आपने उतार लिया ना तो ये ये थ्योरी कम पड़ जाएगी पेपर कम पड़ जाएगा पेन की शाही कम पड़ जाएगी आप इतना लिख दोगे क -क 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 कम्युनिकेशन के ऊपर लेकिन समझना पड़ेगा उसके लिए समझना पड़ेगा टीचर बोलेगा माँ कसम क्या लिखा है भाई समझे क्या तो ऐसी वाली चीज रहेगी ठीक है जी चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुन के लेना ठीक है तो अभी कम्युनिकेशन की मेरी बात सुन के लेना कि भाई कम्युनिकेशन क्या है अब अपन आते हैं थ्योरी में अब अपन आते हैं थ्योरी में ठीक है ये आपको पूछा हुआ है यहाँ पे हाँ मेन स्टेप्स जो है यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा है मेन स्टेप क्या है साथ साथ में आप भी वहाँ पे याद करते जाइएगा बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा बहुत सारे एग्जाम्पल में आपको सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएगी ठीक है जी चलिए तो देखो सबसे पहले क्या बोला है कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिकेयर कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड है उससे कम्युनिकेशन वर्ड आया है जिसका मतलब क्या होता है टू शेयर अभी तक मैं सारी चीजें क्या कर रहा हूँ शेयर ही ना कर रहा हूँ ऐसा भी होता है वैसा भी होता है ऐसे भी कर सकते वैसे भी कर सकते दैट्स अ कम्युनिकेशन सो इट्स सिंपल कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड्स कम्युनिकेयर जिसका मतलब होता है क्या करना है अपने को शेयर बराबर है क्या और एक प्रोसेस है क्या प्रोसेस है भाई एक्सचेंज कर रहे हो क्या इंफॉर्मेशन आइडियाज थॉट्स फीलिंग्स एंड इमोशन कैसे बोल के एक तो हो गया स्पीच से दूसरा हो गया भाई सिग्नल से तो सिग्नल मैंने दिया नहीं है वाला सिग्नल होते हैं ऐसे और बहुत सारे सिग्नल होते हैं ना रेड में अपने को रुकने का ग्रीन में जाने का ऑरेंज में गो एट योर ओन रिस्क ये सिग्नल के मीनिंग है दोस्तों वो कम्युनिकेट ही तो कर रहा है नाउ इट्स ग्रीन यू कैन मूव रेड स्टॉप समझ में आई बात पुलिस वाला दूर से हाथ दिखा देता रुक 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 मारूंगा साल रुक वहीं से इशारा कर देता है ट्स अ सिग्नल वो कम्युनिकेट कर रहा रुक नहीं तो डंडा फेंक के मारूंगा साले ठीक है राइटिंग में हो या बिहेवियर में हो अभी बिहेवियर का मतलब क्या होता है जैसे कि भाई कोई स्टेज में आया कोई बंदा मास्टर ने बोला ले चल बता क्या पढ़ाया था वो हड़बड़ा रहे तो यस टुडे हाँ ये वो समझ में आ गया उसका बत्ती गोला घंटा कुछ पढ़बड़ के नहीं आया वो समझ में आई बात उसके बिहेवियर से पता चल रहा है कि वो लपासी मार है ये मेरे फेस टू फेस वाले बच्चों को याद आ गया होगा जब मैं बच्चों को सामने बुला के पूछता था क्या था दिस दैट ओ ऐसे करके करते थे मतलब उसके बिहेवियर से वो कम्युनिकेट कर रहा है कि भाई वो पढ़ के नहीं आया है जय माता दी लेट्स है उसका समझ में ही क्या बात ठीक है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कम्युनिकेयर और दैट कम्युनिकेयर का मतलब टू शेयर सो कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट लैटिन वर्ड इज अ कम्युनिकेयर एंड दैट कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर सिंपल एंड कम्युनिकेशन का मतलब क्या एक्सचेंज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन आइडिया इन्फॉर्मेशन आइडिया थॉट्स मेरे विचार क्या मेरा मानना क्या है इसमें तो आइडिया इन्फॉर्मेशन थॉट इमोशन ये चार चीज़ें वापस से बोलेंगे दो तो आई हैं दो तो आई हैं ठीक है आइडिया और इन्फॉर्मेशन फिर क्या बोला है फीलिंग्स हॉट इमोशन कैसे करोगे या तो बोल के जैसे मैं कर रहा हूं या तो सिग्नल दोगे सिग्नल आपको पता ही है कैसे कैसे दे सकते हो आप ठीक है या तो लिख के दोगे अरे लिख का भी बताता हूं एक नंबर वो स्कूल में ऐसा रहता था ना दोस्त को कुछ कमेंट करना रहता था लिख के अपन पुड़िया बना के फेंक देते थे वो पढ़ता था और गलती से वो पुड़िया माँ कसम कभी मास्टर के हाथ लग गई तो क्या सुटाई होती थी बराबर है क्या राइटिंग में या तो बिहेवियर करके बराबर है क्या ठीक है तो ये सारी चीज़ें अपने को पता है वापस से बोलूंगा कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है कम्युनिकेयर एंड दैट कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर क्या शेयर कर रहे हैं सर आइडिया शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं थॉट शेयर कर रहे हैं फीलिंग शेयर कर रहे हैं सर इमोशन शेयर कर रहे हैं कैसे सर या तो बोल के स्पीच से सर या तो लिख के राइटिंग से सर या तो या तो या तो या तो सिग्नल से सर या तो बिहेवियर से बराबर है क्या याद आ जाएगा जी ठीक है जी चलिए ये हो गया और बोले इसके प्रोसेस में होता क्या प्रोसेस यही होता है पुड़िया बनाया लिखा पहले पुड़िया बनाया और फेंका तो सबसे पहले प्रोसेस शुरू किधर हुई शुरू किधर हुई जो सेंडर है ना वो इनकोड करता है इनकोड का मतलब वो मैसेज बनाता है तो सेंडर ने पहले मैसेज बनाया अबे तेरी माँ की ऐसे करके उसके लिख के मस्ती सुस्ती रहती थी, थी ना क्लास में तेरी माँ की डैश ऐसे करके भेज दिए करते थे ना अपन स्कूल में देखो जो है वो है मैं बता रहा हूँ अपन भेज दिए अपन भेज दिए अब क्या किया अपन ने पहले इनकोड किया मैसेज और मीडियम यूज़ किया मीडियम और चैनल यूज़ किया क्या मीडियम यूज किया क्या चैनल यूज़ किया अरे दैट मीडियम दैट चैनल इज अ पुड़िया अब आजकल पुड़िया नहीं होता आज सब आजकल मोबाइल लेके जाते यहाँ से बैठ के तेरी रही की व्हाट्सएप किए ना अपन ने व्हाट्सएप किए तो मीडियम यूज किया सेंड किया किसको रिसीवर को जिसको भेजा है वो रिसीवर है अब मेरे केस में आप सारे रिसीवर हो आप जब कमेंट कर रहे हो तो मैं रिसीवर हूँ समझ में क्या बात हु यानी कि सर जो भेज रहा है वो सेंडर है वो इनकोड करता है जो रिसीव कर रहा है, है पैसेज को रिसीवर एंड दैट्स अ डिकोडर और सर जिस माध्यम से भेज रहा है पुड़िया से भेज रहा है इशारे कर रहा है व्हाट्सअप से भेज रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है यानी कि क्या है ये जेस्टर से बराबर है क्या डिकोड कर रहा है मैसेज आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सेंड बैक अप्रोप्रिएट फीडबैक रिप्लाइंग अ मीडियम और चैनल तो क्या बोला आपने भेजा उसको मिला मिलने के बाद उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद फीडबैक दिया आपने लिखा था तेरी की उसने लिखा तेरी की बराबर है क्या भाई एग्जाम्पल जान के ऐसे ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है एकदम काल्पनिक बातें हैं बराबर है क्या ठीक है ठीक तो यहां पे अगर आप देखोगे हु डिकोड्स डिकोड्स का मतलब भाई उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद बताया कि क्या हुआ कैसे हुआ तो वो फीडबैक दिया प्रोसेसिंग फीडबैक दिया बाय यूजिंग अ मीडियम और चैनल तो सर कितनी बातें हो गई इसमें भाई इसमें हो गई सेंडर सेंडर क्या करेगा इनकोड करेगा इनकोड करने के बाद क्या करेगा मीडियम चूज करेगा मीडियम कैन भी पुड़िया मीडियम कैन भी सिग्नल एंड दैट मीडियम कैन बी व्हाट्सएप ट्विटर स्नैपचैट इंस्टाग्राम एंड व्हाट नॉट ठीक है वो सेलेक्ट करने के बाद भेजेगा सामने वाला रिसीव करेगा तो क्या करेगा डी करेगा डी समझेगा अच्छा तेरी माँ की लिखा है रुक बताता हूँ साले उसने भाई पूरा पीएचडी करके रखी थी वो हिंदुस्तानी भाऊ था जिसको भेज दिया दे फिर फीडबैक पे फीडबैक फीडबैक पे फीडबैक उसने भी वही मीडियम यूज करके फीडबैक दे दिया खत्म हो गया यही तो कम्युनिकेशन है यार ठीक है जी चलिए ठीक अब इसमें मेन स्टेप्स का अगर मैं बात बताऊं अगर आपको मैं मेन स्टेप का बात बताऊं ठीक है मेन स्टेप्स बात बताऊँ कि क्या क्या होता है तो हो गया मेन स्टेप खत्म हो गया पढ़ तो लिए सारी चीजें सबसे पहले आपको रीजन पर्पस ढूंढना पड़ेगा कम्युनिकेशन का भी ये जो पुड़िया और ये कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है बकर मस्ती बराबर है क्या अब इसके अलावा पर्पस क्या होता है ब्रेकअप हो गया फाइनल बात कर रही है एक बार फाइनल बात कैसी फाइनल बात कर रही है एक बार लास्ट बार बात कर लेते हैं तो वो बोलता है हाँ बोल क्या हुआ बोले नहीं मैसेज में सारी बात नहीं होगी मिल के बात करेंगे बराबर है क्या क्योंकि पर्पस क्या है फाइनल टच देना है भाई फाइनल बातचीत करना है मेरे मन में जो है तेरे मन में बोल बाल के खत्म करना है तो पहले पर्पस आइडेंटिफाई करना है क्योंकि अगर आप पर्पस आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे बराबर तो आप मीडियम चूज नहीं कर पाओगे आप मीडियम चूज नहीं कर पाओगे मैसेज में फाइनल टचअप होता है क्या भैया लास्ट में मिलते एक बार लास्ट में सब लास्ट बार एक बार सब कुछ होता है जब ब्रेकअप होता है तो लास्ट बार सब कुछ होता है समझे क्या तो आपको पर्पस करना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन करना है तो पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का समझ में ही बात वो पर्पस पता करने के बाद आप मीडियम चूज़ करोगे कि यार ये वाला अगर मेरे को कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करना है अब मेरे को एक बात बताओ कभी जीवन में कोविड नाइन्टीन की बात मत करो कभी आपने इंटरव्यू फ़ोन पे दिया है क्या फ़ोन पे इंटरव्यू दिया कभी फोन पे बस आपका देखा जाता है बातचीत कैसे कर रहा है बुलाने के लिए इंटरव्यू फिजिकली होता है आमने सामने तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज द पर्पस कि कम्युनिकेशन का पर्पस क्या इंटरव्यू फोन पे नहीं होगा इंटरव्यू या तो वीडियो कॉल पे होगा इंटरव्यू या तो फेस टू फेस होगा समझ में आई तो आपको मीडियम चूज करना पड़ेगा उसके पहले आपको पर्पस क्लियर करना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए कम्युनिकेशन होने वाला है सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पर्पस सेकेंड थिंग द कंटेंट ऑफ मैसेजेस मैसेज के कंटेंट क्या है अब देखो इसमें भी मैं बहुत जोरदार बात बता रहा हूं अगर तुमको ऐसी कुछ बात करनी होती है ना जिसमें तुमको पता है कि भाई सामने वाला कुछ एक्शन ले लेगा तो तुम टेलीग्राम में जाते हो टेलीग्राम में सीक्रेट चैट शुरू करते हो सीक्रेट बातें करते हो तुमको पता है कि ये सीक्रेट चैट में स्क्रीनशॉट भी नहीं निकलता है और ऑटो डिस्ट्रक्शन होता है किसको किसको पता होगा पता है बाकी लोग पोगो देख सकते अगर आपको ये बात नहीं पता है तो कंटेंट क्या है तो कंटेंट में भी आप मीडियम देखोगे कि भाई कौन सा मीडियम अपने को सेलेक्ट करना है तो पहला परपस दूसरा कंटेंट ठीक है तीसरा मीडियम यूज फॉर कन्वेइंग द मैसेज अब आप मीडियम सेलेक्ट करोगे अब आप मीडियम सेलेक्ट करोगे पहले पर्पस पर्पस के साथ देखोगे कंटेंट क्या है अब कंटेंट में मैं एक बात और बताता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई ये सेंसिटिव बात है सामने वाला तो रिकॉर्ड कर लेगा इसको किसी को भेज देगा तो आप लोग व्हाट्सएप का कॉल करते हो व्हाट्सएप वाला व्हाट्सएप वाला कॉल रिकॉर्ड नहीं होता एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है तो पहले आपको पर्पस करना पड़ेगा सेंसिटिव मामला है कंटेंट भी सेंसिटिव है फिर आप मीडियम चूज करोगे या तो आमने सामने बात करोगे या तो व्हाट्सअप का कॉल करोगे दैन द मीडियम यूज फॉर कन्वेइंग द मैसेज एग्जाम्पल में इंटरनेट रिटर्न टेक्स्ट स्पीच पिक्चर जेस्टर्स एंड सो ऑन इंटरनेट का इस्तेमाल करो रिटर्न टेक्स करो बोल के बात करो पिक्चर्स भेजो जेस्टर यानी कि इशारे करो बराबर है दैट्स अ जेस्टर ठीक है और उसके बाद क्या है ठीक है उसके बाद क्या है ट्रांसमिटिंग द मैसेज अब आप फाइनली जब मीडियम सेलेक्ट कर लिया आप मैसेज को ट्रांसमिट करोगे मैसेज ट्रांसमिट होने के बाद क्या होता है कई बार मिस इंटरप्रिटेटेड हो जाता है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से अभी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बताऊँ सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है टाइपो एरर जो आपके में ऑटो करेक्शन और ऑन रहता है ना टाइपो एरर अब एक इंसान दूसरे इंसान को लिख रहा था कि मेरी पचासवीं सालगिरह में आपको आना है वो टाइपो एरर में ऐसा हो गया कि मेरे पचासवीं शादी की सालगिरह में आना है ले भाई पूरा डिस्टर्ब हो गया समझ में आई क्या बात तो मैसेज और ऑफ एंड मिस इंटरप्रिटेटेड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ये अपने हाथ में नहीं टाइपो एरर समझे क्या जैसे कि नॉइस हो गया क्रिएटेड बाई ह्यूम ट्रैफिक एंड नेचुरल फोर्स ये अब जैसे रास्ते में जा रहे हो मम्मी का फोन आ रहा है मम्मी बोले बेटा आधा किलो गेहूं ले आना गु ले आना आधा किलो क्या बोल रहे हो आप अभी भाई समझ में नहीं आ रहा गेहूं बोल रहे गु बोल रहे हैं बराबर है क्यों हल्ला बहुत हो रहा है समझ में नहीं आ रहा गाड़ी भी चला रहे हैं सब मिस इंटरप्रिटेड हो रहा है समझ में ही के बाद ठीक है तो ध्यान से समझिएगा कि मैसेज बहुत बार क्या हो जाते हैं मिस इंटरप्रिटेट हो जाते हैं एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से जैसे कि नॉइस क्रिएटेड बाय ह्यूमन ट्रैफिक और नेचुरल फोर्सेस बराबर है आपस में अब कभी कभी ऑफिस में हल्ला करोगे आजू बाजू सब तक आवाज आती है हाँ सर क्या बोले अच्छा अच्छा हाँ 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों हल्ला बहुत हो रहा है बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है नेचुरल फोर्सेस है ठीक है जी रिसीविंग द मैसेज अब फाइनली आप मैसेज रिसीव करोगे रिसीव करने के बाद डेसिपरिंग का मतलब होता है डेसिपरिंग मतलब उसका एक्चुअल मतलब निकालना जो आपको मैसेज भेजा गया है उसका एक्चुअल मतलब अब इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ डेसिपरिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ द मैसेज इसको बोलते हैं डी करना अब एक बच्चा मेरे को क्या बोलता है अरे सर मैंने आपका लेक्चर लिया है प्लीज़ मेरे को नोट्स भेज दो बोले मैं बोला भाई लेक्चर लिया होगा नोट्स लेकिन कौन से कोर्स का लेक्चर लिया ले? और तेरे को कौन सा नोट्स चाहिए बोलो सर मेरा एग्ज़ाम है सर दिसंबर में मेरा एग्जाम है सर जल्दी भेज दो सर मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है बोले तो मैं बोला दिसंबर में अगर एग्ज़ाम है तो या तो भाई ये सी वाला बच्चा है या तो सी वाला बच्चा है ये सी का तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका एग्ज़ाम दिसंबर में है तो फिर मैं कैसे इसका सही मतलब पहले उसका नाम देखा फिर मैं गया मेरे ऐप में मैं इसके नाम से देखा इसने कौन सा परचेस किया फिर मैं उसको भेजा नोट्स तो मैंने क्या किया डी किया अपने सेंस से वो तो भकला मिस इंटरप्रिटेड करके चले गया नोट्स भेज दो नोट्स भेज दो अरे कौन से नोट्स भेजू बहुत सारे नोट्स है अपने पास वो वाले भी है कौन से भेजू तो बाद में मैंने उसको डीकोड किया सब समझ के कि दिसंबर का है कौन सा होगा फिर जाके मैंने इसको डिकोड किया उसने कंप्लीट मैसेज नहीं भेजा था कंप्लीट मैंने किया मैंने स्वयं समझे क्या ठीक है आठवां पॉइंट इंटरप्रिटेटिंग एंड फिगरिंग आउट व्हाट द रिसीवर थिंक इज द रियल मैसेज इंटरप्रिटेट करना फिगर आउट करना कि क्या रिसीवर सोच रहा होगा अब जो भेजने वाला है ना भेजने वाला को यह समझना है कि जब रिसीवर इसको पढ़ेगा तो क्या सोचेगा जब रिसीवर इसको पढ़ेगा तो क्या सोचेगा जब आप ब्रेकअप करते हो ना अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हो गया यार अब अपना जम नहीं रहा यार अब हो गया भाई बिल्कुल नहीं हो रहा है दिल में पत्थर रख के अपन ब्रेकअप कर लेते हैं तुम्हारा अंदर ही अंदर पुक पुक भी होते रहता है भाई पढ़ के कुछ अलग मतलब ना निकाल ले क्योंकि तुम तो क्या फुटेज खाने के लिए बोलते हो कि वो तुमको भाव देगी क्या कि नहीं ऐसे मत कर हम लोग अच्छे से रहेंगे अंडरस्टैंडिंग से रहेंगे बराबर है क्या लेकिन तुम्हारा ऐसा रहता है भाई वो और क्या सोच सकती बहुत सोच समझ के फिर आप मैसेज करते हो कि सामने वाला पता नहीं क्या ही समझ ले बरोबर है क्या तो ये लास्ट वाला है समझे क्या भावनाएं सही पहुंचनी चाहिए बराबर है क्या ठीक अब मेरे को एक बात बताओ अब ये वाला जो लास्ट वाला है तुम सामने वाले भाई को बोल रहे हो बराबर है मतलब वो सामने वाला भाई और तुम भाई मिल के गांजा फूँकते हो रोज रात को बराबर है क्या रोज रात को गांजा फूकते हो तुम लोग तो ये भाई है वो मैसेज कर रहा है क्या मैसेज कर रहा है पता है क्या भाई आज रात को वही वाली गली में मिले क्या अबे आज रात को वही वाली गली में मिले मतलब क्या तू क्या करने वाला है उसके साथ क्या करने वाला है बराबर है अब भाई तेरे रोज वाला होगा अगर वो इंसान तुम रोज वो गली में मिलकर सुट्टा मारते होगा वो तो समझ जाएगा लेकिन अगर तुम किसी थर्ड पर्सन को रात को वही गली में मिले बोले तो भाई वो क्या ही समझेगा तो तुमको ये सोचना है कि जो मैसेज भेज रहा हूँ सामने वाला उसको कैसे रिसीव करेगा ये सब बातें आपको ध्यान पे रखनी है समझे क्या तो समझो इस बात को ये इट्स होल अ कम्युनिकेशन ये याद करने के लिए मैं आए बाए एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ भाई याद करने के लिए मैं आपको आए बाएँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है सुनिएगा मेरी बात ठीक है एक बार आप पूरा रिपीट करेंगे आपके बुद्धि में बैठ गया होगा ये मेरा वादा है ठीक है सुनिएगा कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकर लेटिन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है टू शेयर सर शेयर का टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थाट्स फीलिंग इमोशंस कैसे स्पीच से सिग्नल से बिहेवियर से ये सब से बराबर है सेंडर कौन रहेगा इनकोडर रहेगा सेंडर मैसेज इनकोड करेगा मीडियम चूज करेगा भेजेगा रिसीवर को रिसीवर डी करेगा और रिसीवर फिर रिप्लाई भी करेगा तो इनमें सारी बात क्या आएगी सबसे पहले पर्पस दूसरा कंटेंट तीसरा मीडियम सेलेक्ट करो मीडियम सेलेक्ट करने के बाद चौथा मैसेज को ट्रांसमिट करो ट्रांसमिट करने के बाद कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से कभी नेचुरल का डिस्टर्बेंस है कभी ह्यूमन का डिस्टर्बेंस है फिर वो रिसीव करेगा रिसीव करने के बाद उसको डेसीफर करेगा डेसीफर यानी कि डी और डिकोड करने के बाद इंटरप्रिटेट करेगा और फिगर आउट करेगा व्हाट द रिसीवर थिंग ठीक है।, है जी ठीक है ठीक है चलिए हो गया जी सबका सब सबको सब ये समझ में आ गया भैया ये था अब देखो यहां पे नीचे और ये चार्ट आपको बना के आना है मेरे भाइयों और बहनों ये चार्ट इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में भी बना हुआ था तो सेंडर पहले भेजेगा इनकोड किया सेंडर पहले भेजेगा वो क्या करेगा इनकोड करेगा इनकोड किया क्या मैसेज चैनल क्या है चैनल में कोई सा भी चैनल व्हाट्सअप वीडियो चैट फेसबुक सब कुछ हो सकता है फिर वो रिसीव करेगा फिर फीडबैक मिलेगा फिर यहाँ पे चैनल आएगा यहाँ पे बैरियर्स आ सकते अब बैरियर आगे आएंगे भैया आपको बनाना है तो ये कम्युनिकेशन का ब्यौरा था आगे बढ़ता हूँ मैं अब ध्यान से सुन के लेना अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुन के लेना कि ये अपने को क्या बोल रहा है ठीक है ठीक है सुनिएगा मेरी बात अब जो मैं आगे अब आपको बढ़ा पढ़ाने वाला हूं आगे जो कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं याद भी करते जाइएगा साथ साथ में बार मैं बोल दिया हूं मेरे को याद हो गया आपको भी याद होना चाहिए ये क्या बोल रहा है ध्यान से सुन के लीजिएगा ये ये बोल रहा है कि भाई टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा आप किससे बात कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप आपको पिक करना है बराबर है क्या दोस्त से बात करते हो क्या बे डैश क्या साले अब चल वे डैश पट से मार दिए उसको बराबर है क्या ये सारी चीज़ करते रहते हैं ठीक है ठीक है? है ये सारी चीज़ लेकिन यही तुम अपने टीचर से और बॉस से बात करके देखो सर गुड मॉर्निंग सर सर गुड इवनिंग सर 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 बाद में पीठ पीछे गाली दो भले लेकिन सर गुड मॉर्निंग सर पाए लागू सर बाद मतलब इसकी माँ का बोले डांटते रहता है बोले क्लास में होता है कि नहीं पता है मैं मैं भी उस फेज से गया हुआ समझे क्या तो जब टीचर आया या कोई बड़ा आया आप फॉर्मल हो गए बराबर है क्या लेकिन वही अपने दोस्त के सामने आप इनफॉर्मल रहते हो वही कल को आप ट्रेनिंग में जाओगे इंटरव्यूअर से कैसे बात करोगे बराबर है क्या इंटरव्यूअर से कैसे बात करोगे बड़ा कोई आता है बड़ा कोई आता है घर पे, मम्मी को आप पीछे कितना भरा बुला बोल के रखे रहो उस बड़े के लिए जब आता है बराबर पैर छूते हो पहले पैर पूरा नीचे तक छूते थे फिर घुटने तक छूते हैं अभी कुछ और छूएंगे थोड़े समय बाद ठीक है तो मैं बता रहा हूं कि अलग अलग जगह ये भी एक कम्युनिकेशन है ये रिस्पेक्ट वाला कम्युनिकेशन है जो पाए लागू कर रहे हैं अपन जो पाए लागू कर रहे हैं रिस्पेक्ट वाला जेस्टर वाला कम्युनिकेशन है समझे क्या तो आपको आपको ये देखना पड़ेगा आप कौन सी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चूज करना पड़ेगा वर्बल नॉन वर्बल बहुत सारे कम्युनिकेशन है बहुत सारे कम्युनिकेशन है अब एक एग्जांपल और देता हूं कम्युनिकेशन का कितने लोगों ने कभी ऐसा किया होगा कितने लोगों ने कभी ऐसा किया होगा ठीक है कितने लोगों ने कभी ऐसा किया होगा कि आप गाड़ी से जा रहे हैं बाजू वाला जा रहा है उसका साइड स्टैंड लगा हुआ है भगाते जा रहा है गलती से साइड स्टैंड टकराया तो गाड़ी इस तरफ और वो अंतरिक्ष के कुछ उस तरफ जाएगा हुआ है कि नहीं आप उसको बोलते रहे स्टैंड 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 ऐसे इशारा करते हो क्यों नॉइज नौ बहुत सारी होती है नॉइज बहुत सारी होती है ना रास्ते में आप जा रहे हो ट्रैफिक आ रहा है पी 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 चल रहा है वो भगा रहा है गाड़ी आप भी भगाते बे स्टैंड देख बे गधे एक बार टकराएगा फेंकाएगा कहाँ पता नहीं समझ में ही क्या बात तो आप वहां पे नॉन मरवल इशारा कर दे समझेगा बोल ही नहीं पाओगे आप हेलमेट पहने हो, वो हेलमेट पहना है कुछ नहीं समझेगा किस भी तो जिस मोमेंट में जिस सिचुएशन में आप हो आप उस सिचुएशन का कम्युनिकेशन दोस्तों के साथ हो इनफॉर्मल मैन इनफॉर्मल तेरे साथ क्या फॉर्मल गाली गलो चल बे साले ऐसा वैसा टीचर के सामने हो या किसी कलीग के साथ हो थोड़े से थोड़े से सेमी फॉर्मल और एकदम अगर बॉस वॉस के सामने तो फॉर्मल <clears throat> तो इट विल डिपेंड कौन सी सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको कम्युनिकेशन चूज करना है ताकि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे हम जैसे दोस्त यार होते जो लड़के लोग होते जैसे मैं भी हूँ आप लोग भी हूँ हम लोग बिना गाली के बात ना करें तो दोस्त को मज़ा ही ना आए तो भाई तेरे को कुछ हो गया है क्या आज सब ठीक तो है ना इफेक्टिवनेस नहीं आती यार बातचीत करने में समझ में आई क्या बात समझे गए इस बात को ठीक है चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बहुत बोल लिया है मैंने ध्यान से सुनिएगा ठीक है जी तो ध्यान से ये थ्योरी पॉइंट है This डजेंट मैटर ये जो मैंने आपको अभी बताया ना ये थ्योरी थ्योरी ये बता रहा है कि कौन से सिचुएशन में आपको कौन सा कम्युनिकेशन यूज करना है तो मैं इसको रीड भी कर देता हूँ, लेकिन ये उतना याद नहीं करना है। याद जो ऊपर करना था तो मैंने चार बार खुद भी बोल दिया और आपको बोल दिया याद करना है ये आपको बस बता रहा है कि इस टॉपिक के अंदर आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा बराबर है क्या ठीक है ठीक <coughs> है तो सुनिएगा गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स एंड कम्युनिकेशन कैन एनहैंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप अगर आपको पता होगा एक अच्छी समझ होगी कि कौन से समय में कौन सा आपको कम्युनिकेशन यूज़ करना है तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप को क्या कर सको एनहैंस कर सको बराबर है क्या रिजॉल्व कर सको एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन एंड कंट्रीब्यूट करो टू अ सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर एन अ जॉयफुल पर्सनल लाइफ अगर आपको ये समझ है कि कहाँ पे किस तरीके से बात करनी है तो आप अपने रिश्ते को बहुत ऊपर ले जा सकते हो समझ में आई क्या बात बराबर है क्या देखो आपको ना ये समझ होती है भाई पापा अभी गुस्से में भाई गलती से भी बात मत करना कि टूर में जाऊंगा अभी सीए में मार्क्स भी कम आया है बेटा मार मार के ना सुझा देंगे वही लाल हो जाएगी पूरी तो आप मूड देखते हो अच्छा पापा का मूड अच्छा है अरे पापा पापा वो ना टूर में जाना था पापा यार बहुत टाइम हो गया बहुत बोर हो रहा है चले जाए ये माहौल देख के और हिसाब से सॉफ्ट टोन में बात करते हो क्यों आपको पता एक समझ है आपको अंडरस्टैंडिंग है कि किस समय अपने को क्या बात करनी है बराबर है क्या और जैसे मान लो गर्लफ्रेंड फ्रेंड से मिलने जाना है बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है तो लड़कियां क्या करती है भाई जानबूझ के माहौल एकदम सूट पहने गया ना डाउट ना हो गलती से भी कि भाई अपन जीन्स वींस में वेस्टर्न में कहीं और जा रहे हैं सूट उट पहन के भाई बैग वैग लगा के नो लिपस्टिक नो मेकअप हाँ कि डाउट नहीं आए पापा वो ना कॉलेज में आज असाइनमेंट सबमिट करना है तो डेढ़ घंटे का काम है आज अर्जेंट है मैं जा रही हूँ ठीक है ऐसा माहौल बना के एकदम देखो तो ये भी एक कम्युनिकेशन है बाबा गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिकेशन समझ में आई क्या बात तो बोले अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे बात करना है कब बराबर है क्या तो आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन को बहुत आगे लेके जाओगे कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कहीं मिसकंसेप्शन नहीं होगा बिजनेस भी करोगे तो बहुत आगे जाओगे ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक अब उसके पास बोले हर पर्सन के पास ना अपना खुद का स्टाइल है एवरी पर्सन हैज़ हिज और हर पर्सनल स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग अब आपने मेरे अलावा अब आपने मेरे अलावा न जाने कितने लोगों से कितने टीचर्स ने टीचर्स से आपने पढ़ा है पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बिल्कुल आपको हर एक का स्टाइल यूनिक लगता होगा <खुँग> कि भाई ये सर अपने आप में यूनिक है ये मैडम अपने आप में यूनिक है ये अपने क्यों सबका एक अपना अपना स्टाइल है भाई और ग्रुप में ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है भाई जिसका ना सुनने में ही बड़ा मजा आता है भाई तू बोल यार तू बोलता तो बड़ा फनी लगता है यार क्यों यूनिक स्टाइल है उसका बताने का मजा आता है उसके साथ उसकी बात सुनने में उसके साथ समझने में समझे क्या ठीक है तो मेघना बोल रही बट यू आर द बेस्ट थैंक यू सो मच बेटा ठीक है अब बोल रहा है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एक इंडिविजुअल बहुत सारे चैनल यूज करता है आज मैं यूट्यूब का चैनल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से निकल जाऊंगा टेलीग्राम का चैनल यूज करूंगा किसी बच्चे का फोन आ जाएगा कॉल का चैनल यूज़ करूंगा बहुत सारे चैनल यूज़ करते हैं यार लेकिन इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कोई सा भी कम्युनिकेशन आप यूज़ करो कितना बढ़िया कम्युनिकेशन है ये डिपेंड कब करेगा कि आपने कैसा स्टाइल यूज़ किया है कैसा स्टाइल यूज़ किया ठीक है एक्यूरेटली कैसे सामने वाले ने समझा है बराबर है क्या अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कुछ बच्चे जैसे आज मैंने आके बोला कि भाई तुम मेरी मेहनत की कदर कर लिया करो वगैरह वगैरह तो उनको समझ में आया होगा कि नहीं यार वाकई में माइंड भी किस किस को लगा होगा जरूरी नहीं ना लगा हो किसको लगा होगा कि नहीं यार अपन ने शायद गलत कर दिया करके तो मैं तो वही बताना चाह रहा था आप गलत क्यों करके लेकिन अगर आपको ये रियलाइज़ हो गया कि हाँ आपने गलत किया है मतलब मैंने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया आपको समझ में आ गया मेरे दिल की भावनाएं मैंने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर दिया आपने समझ लिया सामने वाला समझा ही नहीं आप बोलना क्या चाह रहे थे फिर काय का कम्युनिकेशन भे काय का कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस ही नहीं सामने वाले ने उसको इंटरप्रिटेट ही नहीं कर पाया ठीक है जी चलिए उसके बाद देखो बोला अगर सामने वाले ने समझ गया तो अच्छी बात है ठीक है बोले कभी 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 जो स्पीकर होता है कभी कभी जो स्पीकर होता है वो कुछ ज्यादा ही बोल देता है अपने टोन से अपने जेस्चर से अपने टोन से अपने जेस्चर से आज जब मैंने स्टार्टिंग में, में आके बोला तो तुमको थोड़ा सा गुस्सा भी लगा होगा कि सर थोड़े से गुस्सा भी हुए हैं थोड़ा सा लगा होगा सर को तकलीफ़ भी हुई है तो मैंने तो सिर्फ यही बात बोली कि तुम गलत बोले हो जाके लेकिन तुमको ये समझ में आ गया कि सर गुस्सा भी है और सर को तकलीफ भी हुई है क्यों ये मेरे टोन से और मेरे जेस्चर से ये आपको समझ में आया कि सर सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि तुमने गलत किया सर को ये भी बताना है कि सर को बुरा भी बहुत लगा है और सर गुस्सा भी हुए हैं बराबर है क्या सबको समझ में आ गया क्या सबको समझ में आ गया तो ये एक अपना टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जी ठीक है एवरीबाडी थम्स अप करिए हाउ इज द जोश मैन थम्स अप करिए बढ़ाइए बातों को आगे ठीक है चलिए द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन अब मैं आ रहा हूं कम्युनिकेशन में वर्बल होता है नॉन वर्बल होता है विजुअल होता है तीन प्रकार के कम्युनिकेशन है तीन प्रकार के कम्युनिकेशन है वर्बल नॉन वर्बल विजुअल अच्छा आप लोग ये समझते हो कि नहीं <coughs> ये समझते हो ना आप लोग ये टोन टोन समझते हो कि नहीं टोन टोन में ऐसा होता है अबे सुन तो अबे सुन में मतलब टोन ऐसा है कि भाई वो गुस्सा भी और सुन भी बोल रहा है जेस्चर ये होता है जेस्चर इशारे करना ऐसे कैसे ये जेस्चर है बराबर है क्या एक्सेट्रा बराबर ठीक है चलिए उसके बाद अपने पास तीन प्रकार के कम्युनिकेशन है वर्बल नॉन वर्बल और विजुअल वर्बल यानी कि कैसे बोल के बोल के नॉन वर्बल यानी कि इशारों में अब जो सिग्नल फॉलो करते हो जो लिखा रहता है पुणे बयानबे किलोमीटर नागपुर इतना किलोमीटर आगे से राइट जाओगे तो चांदनी चौक आएगा बराबर ये जो सारी चीजें क्या है ये नॉन वर्बल है ये क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है आपने वो मूवी देखी होगी तारे जमीन पर वो छोटा सा बच्चा रहता है इरिटेट होकर ग्राउंड भागता है करके भागता है कुछ बोलता किसी को नहीं है लेकिन उसके जेस्चर उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है इसको बहुत तकलीफ दिया रे टीचर लोगों ने और पेरेंट्स लोगों ने आमिर खान समझता है उसके कम्युनिकेशन को आमिर खान समझता दैट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल में तो आप बोल ही रहे हो विजुअल का मतलब क्या जो आप देखते हो विजुअल चार्ट्स बना दिए डायग्राम बना दिया सिग्नल देख लिए दैट्स अ विजुअल कम्युनिकेशन ग्रीन आया ग्रीन आया तो चलो रेड आया तो रुक जाओ विजुअल वो कम्युनिकेट हो रहा है आप देख के कर रहे हो कुछ बोल रहे हो एक दूसरे को कुछ इमोशन बता रहा नहीं देखा और समझ गया रेड है तो रुकना है दैट्स कम्युनिकेशन मैन तो वर्बल नॉन वर्बल और विजुअल तीन प्रकार के साथ में याद करेंगे ठीक है जी तीन प्रकार के एक्सप्रेशन नॉन वर्बल में आएगा बेटा नॉन वर्बल में आएगा एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन वाला ठीक है तो वर्बल बोलना नॉन वर्बल यानी बिना बोले अरे सबका एग्जाम्पल दूंगा अभी विजुअल देख के जो अपन समझ जाते हैं तीन वर्बल नॉन वर्बल और विजुअल आगे बढ़ते हैं ठीक है जी सुनिएगा चलिए फटाक से बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल पर्पस और स्टाइल के बेसिस में पर्पस एंड स्टाइल के बेसिस में फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मल यानी कि क्या बॉस से बात कर रहे हैं इंप्लॉयर से बात कर रहे हैं किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोस्त यार घर परिवार मम्मी पापा इनफॉर्मल होके रहते हैं अपन बराबर तो सबसे पहले वर्बल आ रहा है तो देखो वर्बल में क्या है ठीक है सर बैकग्राउंड गायब हो गया नहीं भाई बैकग्राउंड बैकग्राउंड कुछ गायब नहीं हुआ है सब है अभी ठीक है चलो ऐसे वर्ड्स और लैंग्वेज इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज वर्बल प्राइमरी रिफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन मीडियम बोल के बराबर है क्या जब आप कुछ बोल के बात करते हो देखो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है जिसमें यूज होती है वर्ड्स या लैंग्वेज या तो आप बोलोगे या तो आप क्या लिखोगे लिखोगे तो वर्बल यानी कि सर वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा होता है जहां पे आप बोलते हो या तो लिखते हो बोलते हो या तो लिखते हो बोलते हो या तो लिखते हो ठीक है प्राइमरी रिफर्स को इसको बोलते हैं स्पोकन मीडियम बोला ठीक है चलो उसके बाद क्या किया देखो जितना मार्क उतना ही पढ़ना है आगे पीछे मत देखना कुछ भी वर्बल बोलने से दो प्रकार का वर्ड यूज करते हो या तो लैंग्वेज यूज कर सकते हो बराबर है क्या प्राइमरीली अपन किसको बोलते हैं स्पोकन मीडियम स्पोकन मीडियम यानी कि बात करना अब उसमें भी दो प्रकार का होता है एक रिटर्न एक ओरल मैंने मैंने आपको ब्राउसर बांटा मैंने आपको एक लेटर अरे आपने भी मेरे को लिख के भेजा ना टेलीग्राम में लेटर लिख के भेजा कि नहीं भेजा आप लोगों ने मेरे को मेरे को थोड़ी सी गर्मी लग रही यार मैं इसको उतार देता हूं शीट पे लिख के दिखाओ तो वर्बल होगा या विजुअल होगा बेटा वर्बल होगा लेकिन वर्बल के अंदर भी रिटर्न होगा वर्बल होगा लेकिन वर्बल के अंदर भी रिटर्न होगा वर्बल होगा लेकिन वर्बल के अंदर भी रिटर्न होगा ठीक है जी चलिए तो ये हो गया रिटर्न एकदम आज तो एकदम फाड़ी कर देंगे भाई कहां लगे हो चक्कर में कोई नहीं टक्कर में सुनो मेरी बात ठीक है वरवल में भी दो है रिटर्न आपने मेरे को लिख के भेजा लेटर वो रिटर्न कम्युनिकेशन है कि सर चेक कर लो ये अपन ने भेजा दैट्स रिटर्न कम्युनिकेशन ठीक है जी ध्यान से सुनना मेरी बात रिटर्न कम्युनिकेशन एसएमएस भेजा रिटर्न कम्युनिकेशन है ठीक है ध्यान से सुन के लेना चलो ईमेल रिटर्न है रिपोर्ट रिटर्न है हैंडबुक रिटर्न है ब्राउशर रिटर्न है वेरियस चैट प्लेटफॉर्म रिटर्न है एस रिटर्न है एंड एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल बराबर है तो वर्बल के अंदर रिटर्न भी आता है ओरल भी आता है आपने मेरे को ई भेजा आपने मेरे को कोई रिपोर्ट भेजी हैंडबुक भेजा ब्राउसर भेजा वेरियस चैट व्हाट्सअप ट्विटर इंस्टाग्राम ये सब क्या है रिटर्न है बराबर है क्या जितना बोल रहा हूँ उतना ही करना है जितना बोल रहा हूँ उतना ही मार्क करना है ठीक है ठीक है ये कौन सा कम्युनिकेशन है क्लॉथ को उतारना क्लॉथ को उतारना कोई कम्युनिकेशन नहीं है मैं तो बोला हूं मेरे को गर्मी लग रही और जेस्चर भी दिखाया ये वर्बल कम्युनिकेशन है वर्बल 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 के साथ जेस्चर है ठीक है हां हां सीएमए का भी करा देंगे भाई तू तो टेंशन मत ले वो भी रिटर्न है हाँ अभी जो आप लोग कर रहे हो ये भी रिटर्न है बिल्कुल करेक्ट मेरे भाई तो यही पढ़ना है आपको ईमेल रिपोर्ट हैंडबुक ब्राउसर वेरियस प्लेट चैट प्लेटफॉर्म एसएमएस और एनी फॉर्म इतना ही करना है आपको बराबर है क्या और साथ में बोलना है ये इसेंशियल भी और इनडिस्पेंसेबल है फॉर फॉर्मल बिजनेस इंट्रैक्शन फॉर्मल यानी कि बिजनेस में अगर आप जाओगे तो ये बहुत जरूरी है इनडिस्पेंसेबल यानी कि इसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता ठीक है जी चलिए उसके बाद ऐसा है इफेक्टिवनेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन डिपेंड करेगा राइटिंग स्टाइल में ग्रामर में और वोकेबलरी और क्लैरिटी रीडेबल वाला पॉइंट है वापस से बोलता हूँ वर्बल में क्या है सर वर्बल में वर्ड आएंगे और लैंग्वेज आएंगे ओके okay, वर्ड और लैंग्वेज आएंगे प्राइमरीली अपन स्पोकन वर्ड यूज करते हैं स्पोकन मीडियम यूज करते हैं ठीक है रिटर्न भी आता है तो रिटर्न में बोले रिटर्न का मतलब ये होता है ई मेल रिपोर्ट हैंडबुक ब्राउसर ये और जितने भी चैट प्लेटफॉर्म है वो आएंगे ठीक है और ये बहुत इसेंशियल और इनडिस्पेंसेबल है किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होगा जिसमें राइटिंग ग्रामर और वोकेबलरी साथ में हो ठीक है वाइट सच जच रहे आप में जी शुक्रिया चलो ओरल में आते हैं अब ओरल क्या है ओरल आपसे तो हो नहीं रहा है भैया आप उधर बैठे हो मैं माध्यम यूज कर रहा हूं यूट्यूब का फेस टू फेस रहेंगे तो ये ओरल है टेलीफोन में बात करेंगे ओरल है वाया वॉइस चैट करेंगे वॉइस चैट वॉइस चैट तो भी ओरल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो भी यहां पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना हम फेस टू फेस हैं ना हम टेलीफोन में ना हम वॉइस चैट कर रहे हैं मैं आपको वॉइस भेज रहा हूं आप मेरे को एस भेज रहे हो इधर बराबर है इनडिस्पेंसिबल यानी कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता उनको अलग नहीं कर सकते इनडिस्पेंसिबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहीं कहाँ वीडियो आप मेरे को देख रहे हो मैं थोड़ी आपको देख पा रहा हूं जूम में बात करते तो वो ओरल हो जाता और फेस टू फेस हो जाता ठीक है जी <coughs> तो देखो फॉर्मल मीडियम लाइक लेक्चर्स कॉन्फ्रेंस सेमिनार मीटिंग एंड इनफॉर्मल फॉर्मल क्या होता है फॉर्मल में लेक्चर आता है कॉन्फ्रेंस आती है सेमिनार अरे फॉर्मल में लेक्चर 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 कॉन्फ्रेंस सेमिनार मीटिंग इनफॉर्मल में क्या चिटचे अबे तेरे को पता है क्या उसका ब्रेकअप हो गया हुए अभी तेरे को पता है क्या उसकी माल को मैं पटा लिया हुआ ऐसा वाला ठीक है चिट चैट गॉसिप ये गॉसिप लड़के लोग यू नो वॉट वहां पे ऐसा हुआ पता है क्या एंड ही वाज ऐसा ऐसा करे गॉसिप ये इनफॉर्मल वाला है ठीक है आर आ पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन ठीक है जी अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन आगे वही कि भाई क्लियर स्पीच होनी चाहिए ठीक है टोन यूज बाय द स्पीकर क्लियर बोलो क्लियर कई लोग क्या करते हैं बोलते हैं आधा शब्द खा जाते हैं बोलते बोलते कई लोग आधा शब्द खा जाते हैं समझना पड़ता ढंग से बोल भाई क्या जल्दी जल्दी बोलते हैं तो देखो एकदम ज्यादा हाई बोलो एकदम ज्यादा अगर लो वॉल्यूम में एकदम तेज और एकदम स्लो बोलो ये सब में तकलीफ है ज्यादा तेज बोलो तो भी तकलीफ ज्यादा स्लो बोलो तो भी तकलीफ ज्यादा ऊंची आवाज में बात करो तो भी तकलीफ ज्यादा नीचे बात करो तो भी तकलीफ बराबर है क्या ठीक है जी चलिए तो ये सारी बातें हैं ठीक है ये हो गया ओरल और इसका अपना रिटर्न का तो रिटर्न में मैं आपको वापस से बता दूं सर रिटर्न में अपना क्या आएगा ईमेल आएगा हैंडबुक आएगा ब्राउसर आएगा वेरियस फॉर्म आएंगे एसएमएस और ये इसेंशियल है ये इनडिस्पेंसेबल है इसके बिना नहीं हो पाएगा कुछ ठीक ग्रामर और वोकेबलरीरी ध्यान रखनी है ओरल में क्या बोला है फेस टू फेस फेस टू फेस रहेगा वॉइस चैट रहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहेगा और अगर फॉर्मल की बात करें इसी में फॉर्मल में तो लेक्चर्स हो गए सेमिनार हो गए कॉन्फ्रेंस हो गए ये फॉर्मल है लेकिन आप जो चिट चैट करते हो जो गॉसिप करते हो इसको बोलते हैं निंदा रस हिंदी में बोलते हैं निंदा करके रस करना किसी के बारे से बातें करना और मजे लेना ज़्यादा तेज बोलो ज़्यादा स्लो बोलो ज़्यादा ऊपर आवाज़ में बोलो ज़्यादा नीचे सब में तकलीफ है क्लियर बात है एक एकदम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऐसे बोलने मैं बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं ना ज़्यादा तेज है ना ज़्यादा स्लो है एकदम परफॉर्म कर रहा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है भैया ठीक है तो ये हो गया ओरल और रिटर्न तो वापस से आते हैं बेस्ड ऑन पर्पस स्टाइल में ठीक है सर पर्पज स्टाइल में एक है सर फॉर्मल एक होता है इनफॉर्मल बराबर है क्या फॉर्मल और इनफॉर्मल ये तो सर ये है कम्युनिकेशन के बेसिस में बात करें तो ये तीन है वर्बल नॉन वर्बल विजुअल लेकिन अगर पर्पज देखें दोस्त से बात कर रहे हैं तो इनफॉर्मल और अगर बॉस से बात कर रहे हैं तो फॉर्मल तो पहले अपन ने ये पढ़ा ये वाला ये वाला हिस्सा पढ़ा ये वाला अभी ये तो बचा हुआ है फॉर्मल इनफॉर्मल बचा हुआ है अभी अपन ने ये पढ़ा है तो ये में भी अपन ने क्या पढ़ा वर्बल पढ़ा अभी नॉन वर्बल पढ़ेंगे फिर विजुअल पढ़ेंगे तो अभी क्या पढ़ा है भैया अपन ने वर्बल वर्बल के बाद देखो यहाँ पे क्या बोला अच्छा एक मजे की बात है एक जानकारी के लिए आपको लिखना भी होगा तो अच्छा हो जाएगा वर्बल सबसे ईजीएस्ट है फास्टेस्ट है भाई आमने सामने बात हो जाती है मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म है लेकिन रिसर्च के हिसाब से आपकी मॉड्यूल ये बोलती है पूरी दुनिया में हम लोग जो ह्यूम बात करते हैं ना सिर्फ हम सात परसेंट वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं बाकी कोई दूसरे ही मीडियम यूज होते हैं सिर्फ सात परसेंट यूज होते हैं देखो कितनी चंबित की बात है इतना देर से जब मैं बोल रहा हूं सिर्फ सात परसेंट माप कसम वर्बल बोले बोले ह्यूमन में सिर्फ बोले सात परसेंट आता है बोले पूरी दुनिया में जितने लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में ह्यूमन सिर्फ सात वर्बल यूज होता है बोले बाप रे बाप इतना देर से तुम लोग जो चैट कर रहे हो बाप रे बाप रिटर्न कर रहे हो क्या कर रहे हो बराबर है क्या आते नॉन वर्बल में आते हैं ना इसमें तो भाई गजब एग्जाम्पल दूंगा गजब यानी कि गजब सुनना मेरी बात ठीक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फटाफट देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या बोल रहा है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज वर्ड नहीं होंगे रे बाबा याद करो इसको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस 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 मैसेजेस बिना बिना कुछ बोले बराबर है क्या उसको बोलेंगे नॉन वर्बल ठीक है जिसमें आप क्या करते हो दिस मैसेजेस कैन एड वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल को ये एड करेंगे वर्बल को एड करेंगे यानी कि वर्बल को हेल्प करेंगे सुनना ध्यान से समझ के लेना ठीक है अब जैसे मैंने बोला कि यार समझ में नहीं आ रहा यार क्या करूँ यार समझ में नहीं आ रहा यार क्या करूँ बहुत तकलीफ़ है यार मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है यार आंख बंद कर रहा हूँ परेशान हूँ बोल तो रहा रहो बहुत तकलीफ है लेकिन बहुत तकलीफ़ है बोल रहा हूँ लेकिन मेरे बॉडी लैंग्वेज से मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि उस तकलीफ़ की डेप्थनेस क्या है उस तकलीफ़ की डेप्थनेस क्या है ये मेरे बॉडी रिएक्शन और मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है और मैं बहुत तकलीफ में हूँ यार होता है ना अपन भी रो देते यार कितना ज़्यादा तकलीफ में जबकि इतनी तकलीफ उसने बताई नहीं है उसने दिखाई है कैसे नॉन वर्बल वर्डलेस तो जब आप बोलते हो ना तो ये जो आपके एक्सप्रेशन है आपके बोल को सपोर्ट करते हैं कि जो आप बोल रहे हो ना वो दिखाता है कि आप कितने ज्यादा तकलीफ में हो तो इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्ड लेस मैसेज बराबर है क्या और ये वर्बल कम्युनिकेशन को हेल्प करते हैं जो आप बोल रहे हो ना तो उस बातों में कितनी गंभीरता या आपका एक्सप्रेशन दिखाता है यस एवरीबॉडी थम्सअप करिएगा ठीक है चलिए अब बोले नॉन वर्बल के अंदर क्या क्या चीज़ आती है ये ध्यान से समझ के लेना फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फिजिकल नॉन वर्बल एकदम ध्यान से बने रहो फिज़िकल नॉन वर्बल फिजिकल नॉन वर्बल यहां पे आप क्या होता है फेशियल एक्सप्रेशन अब मैं ना ये वाला और ये वाला पैरा लैंग्वेज को और फिजिकल को एक साथ इसका एग्जाम्पल दूंगा फिजिकल नॉन वर्बल और पैरा लैंग्वेज का एक साथ एग्जाम्पल दूंगा ठीक है एक साथ एग्जाम्पल दूंगा ठीक है एक साथ एग्जाम्पल दूंगा अरे भाई सीए ए इंटर लॉ मैं खुद पढ़ाता हूँ भाई तू मेरे से ही पूछ रहा है बेस्ट फैकल्टी कौन है मेरे भी लेक्चर अवेलेबल है ठीक है तो फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और पैरा लैंग्वेज ठीक है जी सुनना इन दोनों का एक साथ एग्जाम्पल फेशियल एक्सप्रेशन उसको बोल देना समझ जाए बता रहा हूँ समझा देना उसको अच्छा समझा देना मतलब ऐसा बोल रहा है मतलब तू गुस्से में नहीं तो तू निपटाई देगा उसको अपन ने बोला नहीं निपटा दूंगा अपन क्या बोला समझाई देना उसको मैं बता रहा हूँ समझाई च देना समझे ये फेशियल एक्सप्रेशन है स्टांस यानी कि मुद्रा 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 यानी कि पॉस्चर क्या है समझा ही देना उसको मैं मुद्रा देख रहे हो मेरी एटीट्यूड न समझा देना उसको जानता नहीं किससे लग रहा है भाई से लग रहा है भाई से ये मुद्रा है देख ये मुद्रा है ये स्टांस है कैसे मैं बोल रहा हूं मैं नॉर्मल यार उसको प्लीज समझा देना यार मतलब क्यों कर रहा है यार वो ऐसा ये नॉर्मल है मतलब तुम करने वाले नहीं हो कुछ बराबर है क्या वो कुछ करने वाला नहीं है समझा देना उसको भाई से लगने का नहीं बता रहा हूं मैं समझे क्या उसको समझा ही देना उसको जानता नहीं अभी अपने को समझा क्या जानता नहीं अपने को ऐसा ये जो स्टांस ये जो मैं फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ इससे मैं कुछ अलग बता रहा हूँ पहले मैं कुछ करना नहीं चाह रहा था अभी मैं धमका रहा हूँ मैं भले समझाने के लिए बोल रहा हूँ बट अभी मैं धमका रहा हूँ ये मेरे स्टांस से मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि मैं धमका रहा हूँ समझ में आई क्या बात ठीक है चलिए जेस्चर जेस्चर इशारे जेस्टर इशारे आपने बहुत बार देखा होगा मूवीज में दिखाता है बम प्लांट कर लिए रहते हैं और ऐसे करते हैं बराबर है क्या ये जेस्टर क्या कुछ बोला नहीं ये किया और ऐसे किया यानी कि भाई डन बम प्लांट हो गया फोड़ दे तू दैट्स अ जेस्टर ठीक है टोन ऑफ वॉइस मैं कैसे बोल रहा हूं टोन मैं गुस्से में हूं तो मैं बहुत तेज बोलता हूं मैं अभी थोड़ा सा उदास था तो मैं तकलीफ में कैसे मेरे टोन कैसा है बराबर है क्या टच कैसा है अदर फिजिकल सिग्नल कॉन्स्टिट्यूट अदर फिजिकल सिग्नल कॉन्स्टिट्यूट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कि भाई आप फिजिकल नॉन वर्बल आप अपनी हरकतों से बताते हो ठीक है जी तो जैसे कि एग्जाम्पल में लीनिंग फॉरवर्ड आप जाते हो अरे भाई क्या हालचाल भाई 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 भाई, भाई, भाई यानी कि दोस्ती आ रही बराबर है उसमें कोई एटीट्यूड वाला दोस्त रहता है चार लोग खड़े रहते तीन लोग भाई भाई करेंगे कहा हेलो अरे भाई किस बात का एटीट्यूड ऐसे का, करके बैठा हुआ है तो ठीक है इसका मतलब होता है फ्रेंडलीनेस एक्सेप्टेंस एंड इंटरेस्ट वाइल क्रॉसिंग आर्म्स इसको बोलते हैं एंटोगिस्टिक ईगो में एटीट्यूड चलो वे, समझ में ही के बाद या डिफेंसिव पॉस्चर है यह फिजिकल नॉन वर्बल है ये एग्जाम में पूछ सकता है पूरा पूरा आपको याद भी करना है फेशियल एक्सप्रेशन जेस्चर टोन वॉइस टच ये सारी चीज मैटर करेगी और एग्जाम्पल भी लीनिंग फॉरवर्ड यानी कि फ्रेंडलीनेस इंटरेस्ट क्रॉसिंग आर्म्स यानी कि ईगोस्टिक एटीट्यूड समझ में ही के बाद चलिए अब आगे क्या बोला है जैसे ऊपर सात परसेंट वर्बल कम्युनिकेशन था रिसर्च ने ये बताया है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना वो पचपन परसेंट काम करते हैं पचपन परसेंट अपन नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं फिफ्टी फाइव परसेंट जैसे कि क्या स्माइल दूर से देखा आपकी क्रश आई अभी अभी हाई हेलो हुआ देखा समझे क्या ये क्या हो गया स्माइल फ्रांस फ्रांस का मतलब क्या होता है पता है क्या ये अपन यहां पे फ्रांस करते हैं ये अपने यहाँ झूरिया पड़ती ना इसे एकदम ऐसे टेंशन में कोई सुनते हो अ फ्रॉन्स यानी कि चिंता में सुन रहा है ठीक है परसुइंग ऑफ लिप्स परसुंग ऑफ लिप्स ऐसे करते ना पाउड बनाते हैं ऐसे करके बराबर है क्या यानी कि आप फोटो खिंचाने के लिए कर रहे हो बहुत खुश हो ऐसे करते हो सोच रहे हो एकदम ऐसे करते दैट्स अ परसुइंग ऑफ लिप्स क्लेंचिंग ऑफ हैंड्स क्लेंचिंग ऑफ हैंड्स का मतलब ऐसा करके बहुत परेशान हूँ यार क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार ऐसे ऐसे सीधा अच्छा क्लेंचिंग ऑफ हैंड्स ये आपको कम्युनिकेट कर रहा है वो टेंशन में ठीक है ये सारे के सारे इमोशन ट्रांसमिट करते हैं थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आप बोलते भी हो और आपके साथ में एक्सप्रेशन भी चलते हैं तो क्या क्या है स्माइल फ्रॉन्स परसुइंग ऑफ लिप्स क्लेंचिंग ऑफ हैंड्स ये याद करना है आपको एग्जाम्पल स्माइल फ्रॉन्स परसुंग ऑफ़ लिप्स हैंड्स ये इमोशन देते हैं विच आर नॉट एक्सप्रेस टू वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल में आप कैसे दिखाओगे देख 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 मेरी झूरियाँ आ रही में टेंशन में ऐसे बोलोगे कि नहीं ये झूरियाँ आनी चाहिए ये आपको टेंशन आना चाहिए ये वर्बल नहीं बता सकता समझ में आई के बाद ठीक है तो ये फिजिकल नॉन वर्बल था मैं आपको यहां पे बता दिया नॉन वर्बल यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज वर्डलेस मैसेज और ये हेल्प किसको करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन को जो मार्क कर रहा हूँ उसको तो ध्यान से पढ़ के ही जाना ठीक है बाकी आपकी मर्जी एक रीडिंग आपको सब लगाना पैरा लैंग्वेज पैरा लैंग्वेज एक नंबर है पैरा लैंग्वेज ए मेरे भाई लोग जितने लोग भी यहाँ दुखी आत्मा लोग होना जितने भी दुखी आत्मा लोग हो यहाँ पे सर क्लास कितनी देर चलेगी लॉ का एक बार रिवीजन करा दो ये कर रहे हो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा मेरे को बीच बीच में नाटकबाजी मत करो अभी एक घंटे छः मिनट हुए क्लास को तीन तीन घंटे अपन पढ़ते हैं भाई फ्लो में पढ़ रहे चुपचाप से पढ़ना इतना रोना धोना का रहता जब देखो तो हर बात का सुनो मेरी बात चलो पैरा लैंग्वेज सुनो पैरा लैंग्वेज ठीक है चलिए अब पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है पैरा लैंग्वेज का मतलब यह नहीं है पैरा लैंग्वेज का मतलब यह नहीं है वॉट यू से डजेंट मैटर बट हाउ यू से दैट मैटर्स समझ में आई क्या बात आप क्या बोल रहे हो शायद वो इंपॉर्टेंट हो शायद ना भी हो लेकिन आप कैसे बोल रहे हो यह मैटर जरूर करेगा ठीक है मैंने चैट ऑफ नहीं करूंगा अभी मैंने ट्रेनिंग ले ली है मेरे को अब चैट वैट से फर्क नहीं पड़ता मैं बिंदास पढ़ाता हूं जो चैट एकदम रेलिवेंट होती है उसको ही रिप्लाई करता हूं ज्यादा कुछ होता है तो मैं एकदम ट्रेन हो गया हूं भाई तुम्हें लोग की दे है ये ट्रेनिंग भी तुम्हें लोग की देना है ठीक है चलिए ध्यान से सुनिएगा क्या आप बोल रहे हो यह मैटर नहीं करेगा आप कैसे बोल रहे हो क्या बोल रहे हो यह मैटर नहीं करेगा कैसे बोल रहे हो जैसे कि एग्जांपल बताता हूं देखना पीके मूवी में आमिर खान जब जेल में अनुष्का के साथ बंद रहता है तो बोले यहाँ पे साला बोलने के साथ साथ एक्सप्रेशन भी ध्यान देना पड़ता है बोले देखो आप ऐसे बोलो अच्छा 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 मतलब सब ओके सब बढ़िया है अभी तेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया अच्छा ये नहीं कि शॉकिंग वाला अच्छा है ये और बोले अगर अच्छा जैसे कि कुछ आपको बात पता चली कोई इन्फॉर्मेशन अच्छा लंबा अच्छा समझे क्या तो ये अच्छा में भी तीन चार प्रकार के नॉर्मल अच्छा 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 जी 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 अच्छा 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 और एक अच्छा ये गुस्से वाला अच्छा है चार बार अच्छा है एक नॉर्मल अच्छा अच्छा एक अच्छा तू बताएगा मेरे को ये गुस्से वाला अच्छा है समझ में आई क्या बात तीसरा क्या कुछ जानकारी पता चली इंफॉर्मेशन अच्छा ठीक है ये तीसरा अच्छा है समझ में आई क्या बात चौथा एक शॉकल अच्छा समझ में ही तो है अच्छा ही भाई है अच्छा ही लेकिन लेकिन क्या है चारों बार अच्छा का मीनिंग कुछ अलग है तो इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज इसको क्या बोलते हैं पैरा लैंग्वेज समझ में ही क्या बात इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज आप क्या बोल रहे दजेंट मैटर आप कैसे बोल रहे हो वो मैटर कर रहा है जैसे एग्जाम के तौर पे उमेश उमेश एक लड़का है ये नॉर्मल उमेश एक लड़का है ठीक है या मैं बोलूं उमेश एक अच्छा लड़का है उमेश एक अच्छा लड़का है तो दूसरा उमेश अच्छा लड़का है अच्छा लड़का है ऐसा ठीक है एक दूसरा दूसरा उमेश अच्छा लड़का है लड़का समझ देखो तीनों दोनों तीनों बार जो मैंने बोला मतलब अलग अलग निकला मतलब अलग अलग, अलग निकला तो पैरा लैंग्वेज का मतलब यह नहीं होता है आप क्या बोल रहे हो यह होता है आप कैसे बोल रहे हो समझ में ही बात तो ये दोनों चीजें मैटर करेगी दैट्स अ पैरा लैंग्वेज कि हाउ यू से ट्स अ पैरा लैंग्वेज जैसे अमीर खान का अच्छा अच्छा था बराबर है क्या ठीक है चलिए आओ समझ के लेते हैं इसको फटाक से ओके सो लेट्स कम टू दैरा लैंग्वेज ठीक है वे यू से समथिंग ये मैटर नहीं कर रहा क्या बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो ये मैटर कर रहा है द वे यू से समथिंग मोर देन एक्चुअल वर्ड यूज जो वर्ड यूज क्या हो वो तो एक ही है अच्छा अच्छा भी चार बार अगर अलग अलग कैसे बोल रहा हूं वो मैटर कर रहा है कैसे बोल रहा हूं वो मैटर कर रहा है रिवील द इंटेंट ऑफ द मैसेज मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उससे मेरा इरादा पता चलता है बराबर है क्या ठीक है चलिए द वॉइस क्वालिटी क्या वॉइस क्वालिटी अच्छा तू सिखाएगा मेरे को वॉइस क्वालिटी क्या गुस्से वाली है और क्या इंफॉर्मेशन कुछ नई बात पर अच्छा ऐसा है कुछ नया बात पता चला वॉइस क्वालिटी क्या है पिच क्या है स्ट्रेस कितना दिन अच्छा तू सिखाएगा मुझे हराम खोर ऐसा करके स्ट्रेस दे रहा हूँ यानी कि बहुत गुस्सा है इमोशन इमोशन में क्या है अच्छा 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 जी सब बढ़िया सब खैरिया अच्छा जी 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 अच्छा ये ऐसा आला है अच्छा है टोन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग कैसे आप बोल रहे हो कम्युनिकेट्स अप्रूवल इंटरेस्ट और द लैक ऑफ इट तो देखो ये सारी चीज में जब तक आपको एक्ट ना करो जब तक एग्जाम्पल ना दो नहीं समझ में आता यार ये सारी चीजें तो आपको ये ध्यान रखना है द वे यूज से समथिंग बराबर है मोर देन द एक्चुअल वर्ड यूज एक्चुअल वर्ड यूज करने से ज्यादा आप क्या बोल रहे हो ये इंटेंट बताता है बराबर है वॉइस क्वालिटी क्या है टोन क्या है इमोशन क्या है स्ट्रेस क्या है ये बताना है और रिसर्च ने ये बताया है रिसर्च ने ये बताया द टोन ऑफ वॉइस अकाउंट्स फॉर थर्टी एट परसेंट यानी कि किस तरीके से क्या टोन आप यूज कर रहे हो ये 38 परसेंट ऑफ कम्युनिकेशन बताया जाता है मतलब सामने वाले को पता चल जाता है आप गुस्से में बोल रहे हो आप खुशी में बोल रहे हो आप न्यूट्रल में बोल रहे हो तो ये 38 परसेंट है फिजिकल नॉन वर्बल 55 परसेंट है वर्बल वाला 7 परसेंट है ठीक है थर्टी एट पचपन ठीक है जी पैरा लैंग्वेज ठीक है आगे बढ़ता हूं एस्थेटिक कम्युनिकेशन ठीक है एस्थेटिक देखो ये दुखी आत्मा फिर भी नहीं है दुखी आत्मा फिर भी नहीं जा रहे हैं अपलोड होगा कि नहीं होगा पूरा पढ़ाओगे हो क्या पूरा बी पढ़ाओगे जो मिल रहा है वो नहीं चाहिए इसको जाने दे इसको जाने दे मत नहीं मैं कान बंद कर लूंगा सर जब तक आप मेरे को नहीं बताओगे ना पूरा पढ़ाओगे मैं कान बंद किया मैं मैं तो बताऊंगा ही नहीं कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं अभी चुपचाप पढ़ो तो ठीक है एस्थेटिक कम्युनिकेशन एस्थेटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है मूर्ति जैसे डांस कर रहे हैं डांस इंडिया डांस में कोई डांस करता है ऐसे 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 करके और एकदम कोई इमोशनल वाला डांस रहता है ना लड़का लड़की एकदम आंखों में आंखें डाल के भाई जज और पब्लिक भी इमोशनल हो जाती है कम्युनिकेशन और एस्थेटिक कम्युनिकेशन डांस में आपको इमोशन आ जा रहा है बराबर है क्या तो देखो डांसिंग पेंटिंग वो जैसे वो आपका था ना उसमें खो ना जाए तारे जमीन उसकी पेंटिंग में कितने इमोशंस होते हैं यार कि कितनी अच्छी इसने मतलब पूरा नेचर को समा दिया उसमें द पेंटिंग डांसिंग बराबर है स्क्लप्टर स्कल्प्टर का मतलब होता है मूर्ति अब जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी कितनी बड़ी मूर्ति बनी तो वो कितना वो दिखाता है उसमें कि, कि कितना साहस कितना हौसला कितना पेशेंस अब अगर आप कोई दूसरी कृष्ण की मूर्ति देखते हो तो आप क्या देखते हो यार कृष्ण भगवान देखना कितना पेशेंटफुली कितना एकदम काम कितना एकदम लविंगली वो कैसे कर रहे हैं अपन मूर्ति में मत्था टेकते हैं समझे क्या तो वो भी कम्युनिकेट कर रहा है स्क्रप्चर बराबर है क्या दट स्क्रप्चर म्यूजिक म्यूजिक आर ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अंकर है घर है पैसा है गाड़ी आप दो जोड़ों में लड़की भेजो लड़की हुई मारी मैं बताना क्या चाह रहा हूँ स्वैग स्वैग दिखा रहा हूँ पैसा बहुत है आप लड़की भेजो बस समझे क्या हाँ गो कोरोना कोरोना गो ये देखो आए भाई साहब ठीक है तो देखो ये द डिस्टिंगली कन्वेज द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ द आर्टिस्ट बराबर है क्या ठीक है चलिए देखो एक जने और आया रसोड़े में कौन था तो तीन तरीके की अपन ने बात की एग्जाम्पल प्लीज ध्यान रखिएगा ताकि आपको ये याद करने में ईजी हो चीजें समझी भी जल्दी याद होती है रटी भी याद नहीं रहती है तो नॉन वर्बल में क्या है पहले फिजिकल नॉन वर्बल है दूसरा अपने पास क्या पैरा है पैरा लैंग्वेज है तीसरा अपने पास क्या है एस्थेटिक कम्युनिकेशन है जिसमें ये सारी चीजें आपको याद कर रही हैं अपीरेंस में आता हूं अब अपीयरेंस के लिए पहले आप ये फोटो देख लो ठीक है देखो एकदम देखो इसका ट्रिम हेयर कट है क्लीन शेव्ड है वार्म स्माइल एकदम कॉन्फिडेंस है उसकी बात में ड्रेस फॉर्मल पहना है हैंड शेक कर रहा है सब सही है अब यहीं पे मैं ना टी शर्ट टी शर्ट पहन के आ जाऊँ एकदम टी शर्ट टी शर्ट पहन के आ जाऊँ बराबर से यहाँ तक हाफ ऑफ टी शर्ट है तुमको भी ऐसा लगेगा कोई दोस्त यार पढ़ा रहे तुम भी सिंसियर नहीं होगे अपियरेंस ऑल्सो मैटर्स मैन योर लुक्स मैटर्स फॉर्मल ड्रेस में इंसान अलग है अभी देखो मैं तुमको दिखाता हूं अभी देखो तुमको मैं दिखाता हूं ये देखो ये देखो अभी देखो कितना फर्क पड़ गया ये देखो कितना फर्क पड़ गया देखो कितना फ़र्क पड़ गया पहले में और अभी में फर्क देखो तुम अभी देखो एकदम फॉर्मल अभी देखो अभी ठीक है ठीक है ये देखो ये अभी मैंने हटा दिया फर्क दिखा तुमको थोड़ा सा ना इनफॉर्मल हो गया समझ में आई क्या बात ठीक है चलिए ध्यान देना मेरे को तो अपीयरेंस अपीरेंस, अपीरेंस इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग सबसे पहली थिंग होती है जो नोटिस कराई जाती है किसके लिए अबाउट अ पर्सन एक वेल ड्रेस्ड ग्रूम्ड पर्सन उसको प्रिज्यूम किया जाता है वो ऑर्गेनाइज है बहुत मैथोडेटिकल है जहां पे एक स्लोपी यहां पे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आ गया बाल ऐसे ठीक है आ गया ऐसे करके पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको ऐसा अच्छा लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है ऐसे टी शर्ट टी शर्ट पहन के आ गया तो नहीं चलेगा भैया स्लोपी और शैबी पर्सन नहीं चलेगा एकदम बाल ट्रेम दाढ़ी वाढ़ी बनी हुई पहना हुआ वो अपीयरेंस भी कम्युनिकेट करता है यार एकदम प्रोफेशनल लग रहा है यार आपका ना पूरा इंटेंशन आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी सामने वाले से बातचीत करने की उसकी अपियरेंस है एंड अपीयरेंस ऑल्सो मैटर्स ठीक है जी चलिए अपियरेंस इज़ यूजली द फर्स्ट थिंग जो नोटिस करता है पर्सन के लिए ये भी एक कम्युनिकेट करता है बराबर है स्लोपी और शैबी पर्सन रहेगा ना दैट फेल्स टू मेक अ फेवरेबल इंप्रेशन फालतू आदमी बोले कैसा दिख रहा है बोले ये टीचर है बोले टीचर जैसा दिख ही नहीं रहे बोले बाल देखो टी शर्ट पहन के आ गया है कोई अक्कल दिमाग नहीं है पागल है ऐसा ऐसे फेल टू मेक फेवरेबल इंप्रेशन तो ड्रेसिंग अप्रोच एंड इन ऑल फॉर्मल इंट्रैक्शन इज एम्फेसाइज ड्रेसिंग आपकी मैटर करेगी ड्रेसिंग आपकी मैटर करेगी लास्ट अब ड्रेस कोड क्या होना चाहिए अब देखो ये याद करने वाली बात नहीं बोले ड्रेस कोड अगर मैं बात करूं फॉर्मल सूट किसके लिए ट्राउजर विद प्लेन वाइट और लाइट कलर शर्ट व्हाइट कलर की शर्ट या प्लेन वाइट शर्ट लेदर के शूज ये किसके लिए रहेंगे बॉयज के लिए बराबर है क्या ब्राइट कलर टी शर्ट जींस ये सब स्लोगन वाली हो स्लोगन वाला वाले अपना टाइम आएगा बराबर है क्या और एक जने बैठा है भक्त शिव भक्त उसमें गांजा पी रहा है एक जने अबे ये सब टी शर्ट पहन के मैं पढ़ाऊंगा तो तुम मेरे से पढ़ोगे क्या तुम भी बोलोगे सर भी एकदम माहौल में अपन भी माहौल में रहते हैं तो ये टी शर्ट वो स्लोगन वोगन के साथ नहीं जमने वाली बराबर है क्या अदर इनफॉर्मल वियर्स आर फ्रॉन्ड वोमेन के लिए क्या रहेगा टू पीस ट्राउजर स्कर्ट सेट और फॉर्मल एथनिक वियर लाइक साड़ी इज परमिसेबल साड़ी पहन लो टू पीस ट्राउजर स्कर्ट पहन लो अभी याद करने वाली बात है क्या कि तुमको भी पता है लाइट कलर की शर्ट नीचे ट्राउजर लेदर का जूता और जो जूता जिस कलर का होगा उसी कलर का बेल्ट होना चाहिए ये ड्रेस एटिगेट्स तो ये सारी चीज़ें तो आप खुद लिख सकते हो यार ठीक है चलिए तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या है आप सेंड कर रहे हो मैसेज रिसीव कर रहे हो मैसेज बिना किसी वर्ड word के वर्डलेस है फिजिकल नॉन वर्बल में क्या रहा आ रहा है फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है जेस्चर आ रहा है स्टांस आ रहा है टोन ऑफ वॉइस आ रही है फिजिकल सिग्नल्स आ रहे हैं लीन फॉरवर्ड कर रहे हो तो दोस्ती बताता है ऐसे करते हो तो ईगो बताता है उसके बाद रिसर्च बोला पचपन परसेंट नॉन पैरा लैंग्वेज का मतलब वॉट यू से डजेंट मैटर हाउ यू से वॉइस क्वालिटी क्या है पिच क्या है इमोशन क्या है एस्थेटिक में क्या है डांसिंग पेंटिंग स्कल्पचर्स बराबर है क्या अपीयरेंस अपीयरेंस अभी अपन ने बात कर लिया ठीक है चलिए ये तीसरा अपना वर्बल हो गया नॉन वर्बल हो गया तीसरा है विजुअल ठीक है जी चलिए से सुनिएगा ठीक है सुनना विजुअल कम्युनिकेशन क्या है थ्रू विजुअल एड्स जैसे कि साइन जैसे कि साइन बोर्ड होते ना यहाँ से लेफ्ट जाओ तो ये एरिया आएगा बराबर है 92 किलोमीटर यहां से पुणे आएगा मुंबई राइट में है टाइपोग्राफी बराबर है क्या ड्राइंग ग्राफिक डिज़ाइन दैट्स अ विजुअल कम्युनिकेशन वो ग्राफिक डिजाइन इलस्ट्रेशन कलर अदर अब कलर से वो जो सिग्नल वाला है वो कलर से आ गया अदर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज अब नीचे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ देखो जैसे ग्राफ्स हो गए आपको मैं कुछ डायग्राम बना बना के लॉ में पढ़ाया था जल्दी समझ में आता है पाए चार्ट हो गया ठीक है जी अदर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये सारी चीज जो है किसमें आती विजुअल जो आप देख के समझते हो जो आप देख के समझते हो बराबर है क्या विजुअल कम्युनिकेशन दैट्स ऑल ये विजुअल था वर्बल नॉन वर्बल विजुअल हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अपने पास था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऊपर अपने पास था ना वर्बल नॉन वर्बल विजुअल वो हो गया वो किसके ऊपर था वो किसके ऊपर था कम्युनिकेशन चैनल क्या बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल कम्युनिकेशन चैनल क्या यूज़ कर रहे हो तो ये हिसाब है बराबर है क्या लेकिन अब फाइनली अपन ये देख रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसके लिए था ये देखो पर्पस एंड स्टाइल किस पर्पस के लिए बात कर रहे हो बॉस से बात करने जा रहे हो फॉर्मल दोस्त से बात कर रहे हो कलीग से बात कर रहे हो इनफॉर्मल बड़ों से बात कर रहे हो इनफॉर्मल घर में हो फॉर इनफॉर्मल बराबर है क्या तो पर्पस क्या है और क्या स्टाइल रहेगा उसके बेसिस में अपन आएंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल में ध्यान से समझ के लीजिएगा देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ कंपनी बहुत जरूरी बहुत जरूरी एग्जाम्पल दूंगा इसका एग्जाम्पल दूंगा बने रहो मेरे साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के सक्सेस के लिए याद करो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कंपनी में उस कंपनी की सक्सेस के लिए समझ में आई क्या बात अभी ध्यान से समझ के लेना कि क्यों जरूरी है ठीक है अभी ध्यान से सुन के लेना देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द कंपनी इनफॉर्मल चैनल इनफॉर्मल यानी कि दोस्ती यारी में बात करना और बोले जितने भी वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं फ्रेंड्स फैमिली और कम्युनिटी के वो इनफॉर्मल होते हैं तो बोले एक कंपनी में फॉर्मल भी होना जरूरी है इनफॉर्मल भी होना जरूरी है फॉर्मल अपने ऊपर से इनफॉर्मल आपस में यार अरे जब तक आपस में इनफॉर्मली दोस्ती यारी में बात नहीं करोगे तो मिलके काम कैसे करेंगे इंप्लॉय यार फॉर्मल बन रहे हे हे प्रवीण विल यू डू मी अ फेवर अरे उसमें मजा नहीं अबे प्रवीण सुन मेरी बात ये काम करके दे मेरे को मैं दूसरा काम कर रहा हूँ बॉस ने मेरे को दूसरा काम किया यही तो मिल गया यही तो अपनापन आता है यार तभी तो कलेक्टिवनेस आती है वहां पे प्रवीण को फॉर्मल हो जा होकर और प्रवीण बोल रहे है, यार आई ऑलरेडी आई हैव अ वर्ड ओवर बर्डन यार ये यार वो यार वो भी फॉर्मल हो रहा है भाई इन फॉर्मल भी होना जरूरी है बॉस से फॉर्मल होना जरूरी है समझ के लेना क्या होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा समझा ठीक है तो बोले फॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों होता है ओरल भी होता है रिटर्न भी होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों होगा ओरल भी होगा और रिटर्न भी होगा बराबर है क्या ठीक आपको कुछ उसके रूल्स फॉलो करने हैं अब ओरल कब मेरे से बात किया रहे बींग अ टीचर या अपने किसी से बॉस से बात किए तो ओरल गुड इवनिंग सर गुड मॉर्निंग सर आप उसको ये सारी चीज बताओगे इनफॉर्मल में क्या रहेगा इनफॉर्मल में दोस्त यार से बात करोगे और ये दोनों रहेगा ओरल और रिटर्न लिख के भी अब अपने बॉस को मेल लिखोगे फॉर्मल रहेगा फ्रेंड को लिखे हो इनफॉर्मल रहेगा तो राइटिंग में भी वो क्या रहेगा इनफॉर्मल तो देखो समझना डेटा डैट इज कलेक्टेड फ्लोज अप टू द टॉप लेवल डेटा कलेक्ट किया टॉप लेवल पे गया ऑफ मैनेजमेंट फॉर रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग और इंस्ट्रक्शन आता है नीचे तक अब इसका मैं सबसे बेहतरीन आपको एग्जाम्पल देता हूँ अन एकेडमी का अन एकेडमी में वर्टिकल चलता है वो पहले मेरे से डेटा लेते हैं कि सर आपको ना अन एकेडमी में आना है पूरा पूरा और आपको हम पे करेंगे आप अपना पहले पूरा डेटा बता दो कि कितनी पेन ड्राइव होती है कितने स्टूडेंट होते हैं सब हो जाएगा ये डेटा आपका फॉरवर्ड करते हैं उस हिसाब से आपका पैकेज डिसाइड करके लेंगे तो मैं नीचे से इन्फॉर्मेशन देता हूँ फॉर्मली होते हुए ऊपर जाता हूँ ऊपर से फिर ऑर्डर आता है कि इनको इतना पैकेज देना फिर मेरे को आता है इसको बोलते हैं वर्टिकल ऊपर से नीचे पहले नीचे से ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे जाएगा चाहे बोल के जाए चाहे लिख के जाए तो देखो वही बोला इंफॉर्मेशन कैन फ्लो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन डेटा इज कलेक्टेड जो मेरे से डेटा लिया कि कितना रहता है क्या पैकेज मेरा होगा वो ऊपर जाएगा ऊपर से वो रिव्यू करेंगे रिव्यू करके फिर नीचे बताएंगे फिर मेरे पास आएगा दैट्स अ वर्टिकल हॉरिजोंटल में क्या होता है हॉरिजोंटल में क्या होता है सेम लेवल पे सेम लेवल पे बात करते हैं अब जैसे कि हम लोग जब हम पढ़ाते थे टीचर्स लोग सारी टीम में तो हम लोग सेम लेवल पे आप आपस में बैठते थे कि यार स्टूडेंट्स का क्या चल रहा है कौन बच्चा अच्छा पढ़ रहा है कौन बच्चा ए लाने वाला है कौन बच्चे के ऊपर मेहनत ज्यादा जरूरी करना है कौन बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा है और क्या कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सेम लेवल पर हॉरिजोंटल सेम लेवल पे आप आपस में बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं हम जो है आपस में हॉरिजोंटल लेवल पर बात कर रहे हैं देखो क्या लिखा है हॉरिजोंटल दैट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू पार्ट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन में बराबर है क्या एक और वाला ऑर्गेनाइजेशन है एक ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है आपस में बात कर रहे हैं एग्जाम्पल देखो मैनेजर ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का मैनेजर है कंपनी का मे होल्ड रेगुलर डेली वीकली और मंथली मीटिंग टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट बराबर है क्या एक अलग डिपार्टमेंट एक दूसरा डिपार्टमेंट है ये वाला कौन सा है रिसर्च डिपार्टमेंट ये वाला कौन सा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन्होंने मिलकर अगर बात कर रही हॉरिजोटल है, है क्योंकि है तो वो नीचे ही ना टॉप तो के तो नीचे ही आते हैं सारे डिपार्टमेंट तो ये एक लेवल पे बात कर रहे हैं रिसर्च वाला बोल रहा है मार्केटिंग वाले से कि मार्केट में और क्या चल रहा है हम किसके ऊपर रिसर्च करें मीटिंग कर रहे हैं क्या नया मार्केट ट्रेंड चल रहा है उस पर रिसर्च करते नया निकालते हैं ऊपर के नीचे जितने भी लेवल हैं आपस में ये लोग बात कर रहे हैं दैट्स एन हॉरिजोनटल लेवल ठीक है डायगेल में क्या क्रॉस फंक्शनल है कोई किससे भी बात कर रहा है ये सेम क्राइटेरिया पुणे में जो हमारी क्रास है ना वो डायगेल है मैं जाके स्टाफ से भी बात करता हूँ मैं जाके बॉस से भी बात करता हूँ मैं जाके फैकल्टी से भी बात करता हूँ अरे मैं जाके क्लास में जो आया लोग होते हैं ना उनको भी बोलता हूँ क्लास गंदी हो गई बच्चे लोग का केक कटा था साफ कर देना दैट्स अ डायगनल कंपनी के अंदर तो डायगनल में देखो क्या होता है क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन इंप्लाइज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हेलार समझ में आए क्या कोई किसी से भी बात कर रहा है क्रॉस ठीक है तो बोले ये कॉमन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में बोले डायगनल कम्युनिकेशन इज इंक्रीजिंगली कॉमन इन लार्जर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत कॉमन है कि कोई किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है जैसे कि देखो जूनियर इंजीनियर रिपोर्ट कर रहा है सीधा जनरल मैनेजर को जूनियर इंजीनियर रिपोर्ट कर रहा है सीधा जनरल मैनेजर को रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट तो ये तीन है अपने पास एक बार रिपीट करेंगे और थम्स अप करके उत्साह बढ़ाइए आपके कमेंट रुक जाते हैं तो मेरे को लगता है आपको समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल भी होगा रिटर्न भी होगा बराबर है क्या उसके ऊपर मैंने आपको क्या बताया बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किसी कंपनी के सक्सेस के लिए ठीक है जी ध्यान दीजिएगा एक वर्टिकल है वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड जाता है डेटा नीचे से कलेक्ट होता है ऊपर जाता है रिव्यू होता है फिर ऑर्डर आता है हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम लेवल पे डायगोनल यानी कि क्रॉस कहीं पे भी चले जाएगा और ये लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अभी उठान में आ रहा है ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं जी आगे आगे अब इनफॉर्मल में आते हैं ठीक है बस खत्म होने वाला है हार्डली आधे घंटे की क्लास है पूरा रट पिट के खत्म कर देंगे छह मार्क्स अपना और चित हो जाएगा ध्यान से समझिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल किसके बीच में होता है फ्रेंडली होता है अनऑफिशियल होता है कैजुअल होता है स्पॉन्टेनियस कन्वर्जेशन यार सामने सामने बात कर रहे हैं कुछ सोच नहीं दे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन विदाउट कन्फर्मिंग टू द ऑफिशियल रूल कुछ सोचना नहीं है भाई तेरे से क्या सोच के बात करना प्रोसेस सिस्टम फॉर्मेलिटीज एंड चेन ऑफ कमांड ये थ्योरिटिकल पॉइंट है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ कैजुअल है अनऑफिशियल है फ्रेंडली है कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं स्पॉन्टेनियस है इतना याद कर लोगे बहुत है कैजुअल है फ्रेंडली है अनऑफिशियल है कोई रूल को फॉलो नहीं करता है स्पॉन्टेनियस है बराबर है क्या विदाउट फॉलोइंग यानी रूल्स प्रोसेस सिस्टम फॉर्मेलिटीज यस एवरीबॉडी ठीक ये आप किससे बात करते हो ये आप किससे बात करते हो ठीक है अविनाश बोल रहा है ये सीएस फाउंडेशन के भी मॉड्यूल में है तो पढ़ बेटा अगर अच्छी बात है मॉड्यूल में है तो पढ़ ले ठीक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है फैमिली के बीच में फ्रेंड के बीच में नेबर के बीच में मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड अदर सोशल रिलेशन दैट आर बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट तो ये रीडेबल पॉइंट है आप इसको पढ़ सकते हो नीचे के पूरे रीडेबल पॉइंट्स है कॉमन जो मेन पॉइंट है जो आपको कंटेंट लेकर जाना है ये तो आप पढ़ ही लेना नीचे रीड करके जाना जितना याद आएगा उतना लिख लेना ठीक है जी चलिए अब आते हैं अपन नेटवर्क इन कम्युनिकेशन में फटाफट फट सब करके उत्साह बढ़ाओ नेटवर्क इन कम्युनिकेशन ये वापस से देखो ऊपर की ना पूरी थ्योरी है लेकिन फिर भी उसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ मेन तो नीचे की बात है कि नेटवर्क कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन में ध्यान से सुन के लीजिएगा ठीक है सुनिएगा हैप्पी बर्थडे सर बोल रहा है विशाल थैंक यू सो मच भाई भाई गिफ्ट भी भेज देना गिफ्ट भी भेज दे ठीक है ध्यान देना अब ये बोल रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है काहे के लिए यूज हो रहा कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है कौन सी चीज की जरूरत है पैटर्न होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन का पैटर्न होता है नेटवर्क इन कम्युनिकेशन में पैटर्न होता है सबसे पहला वर्टिकल होता है ऊपर वाला थ्योरी है उसको पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है ये बस ये बोल रहा है कि आगे आपको छह पैटर्न बताएगा छह में से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सूटेबल है वो आपको लेना है देखो ये लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स करता है साइज ऑफ द कंपनी किस टाइप की कंपनी है और ये सारी चीज़ें तो मैं आपको छह बता रहा हूं आपको वो चूज कर रहे हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है ठीक है सुनिएगा ये देखो वर्टिकल वर्टिकल अब भी पढ़े ऊपर से नीचे पहले सब ऑर्डिनेट को कुछ ऑर्डर मिलता है वो काम करता है फिर वो ऊपर जाता है ऊपर वाला फिर उसको ऑर्डर देता है ये ऊपर से नीचे वाला कौन सा है वर्टिकल है ऊपर से नीचे वाला कौन सा है वर्टिकल तो बोले ये फॉर्मल नेटवर्क है यूजुअली बिटवीन हायर रैंकिंग एम्प्लॉयज होता है एंड अ सब ऑर्डिनेट और ये टू वे कम्युनिकेशन होता है इमीडिएट फीडबैक इसमें पॉसिबल है मैंने उसको बोला उसने मेरे को फीडबैक दिया तो ऊपर वाला नीचे वाले से बात कर रहा है इसको क्या बोल रहे हैं वर्टिकल दूसरा अपने पास क्या रहता है समझिएगा सर्किट नेटवर्क ये संजय दत्त वाला सर्किट नहीं है ध्यान से सुन के लीजिएगा ये कौन सा है जब दो पर्सन क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर सेंडिंग मैसेज एंड फीडबैक आपको मैंने कुछ बोला आपने मेरे को रिप्लाई किया इसी को बोलते सर्किट नेटवर्क व्हाट्सएप में करूँ चाहे टेलीग्राम में करूं बराबर है क्या तो दे फॉर्म आ कॉमन सर्किट इसीलिए उसको सर्किट नेटवर्क बोलते हैं दो पीपल इंटरेक्ट कैन बी कलीग्स एट द सेम लेवल देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है ए है ए ने मैसेज भेजा किसको भेजा बी को और बी ने उसको फीडबैक दिया इसी को क्या बोलते हैं सर्किट नेटवर्क सिंपल सी बात कुछ इसमें समझाने पिमझाने वाला कुछ नहीं नॉर्मल है ये रीडेबल है चेन नेटवर्क अब चेन नेटवर्क पहले आप इससे ही समझ लो चेन नेटवर्क में ए ऊपर है बॉस वही है चेन नेटवर्क में ऐसा है एक चेन ये है ई एफ जी को दे रहा है और एक दे रहा है बीसीडी को ऊपर है कोई भी फ्लो इंफॉर्मेशन अप फ्लो नहीं जा रही देखो ए से नीचे ही आ रही है ए से नीचे ही आ रही है इसको क्या बोलते हैं चेन चेन नेटवर्क ऊपर वाला सर्किट उसके ऊपर वाला वर्टिकल तो देखो यहां पे क्या होता है कम्युनिकेशन दैट फ्लोज द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द सीनियर टू जूनियर ऊपर से लेके नीचे तक सीनियर टू जूनियर इज कॉल्ड द चेन नेटवर्क ऊपर से जो नीचे आ रहा है दैट्स अ चेन नेटवर्क देखो सुपीरियर मैनेजर जो है गिव्स कमांड और इंस्ट्रक्शन टू द दोज वर्किंग अंडर हिम इन द ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बी सी डी को जा रहा है और ई एफ जी को जा रहा है ये सब ऑर्डिनेट है ये हिरार की है इसको बोलते हैं चेन कमांड इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है बस ये बता रहा है ऊपर वाला बंदा नीचे आ रहा है करके बराबर है क्या ठीक है बोले इसमें डिसएडवांटेज क्या है इसमें टाइम बहुत लगता है और कम्युनिकेशन शायद क्लियर ना हो क्योंकि क्या हो रहा है पहले ए बोल रहा है ए किसको बोल रहा है ई को बोल रहा है ई किसको बोल रहा है एफ को बोल रहा है एफ किसको बोल रहा है जी को बोल रहा है माइड बी जब ई e को बताया ई e को कुछ समझा एफ को बताया एफ को कुछ समझा एफ के बाद जी को कुछ और समझा तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई इसमें कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाता है बराबर है क्या और साथ साथ में कहा तो भी बोला था ये टाइम कंज्यूमिंग है ये टाइम कंज्यूमिंग है आगे बढ़ते हैं ठीक है सेम है ना भाई वर्टिकल और सर्किट अलग अलग हैं ठीक है थीके? उसमें ऊपर से नीचे जा रहा है ऊपर से नीचे जा रहा है वो अलग है बेटा सर्किट नहीं है ठीक है चलिए ध्यान से सुनिएगा व्हील एंड स्पोक नेटवर्क व्हील एंड स्पोक नेटवर्क ठीक है व्हील एंड स्पोक में क्या है देखो एक बंदा यहाँ पे है सब बंदे आके उससे बात कर रहे हैं वो भी सबको रिप्लाई कर रहा है ये हमारी क्लास में होता है हमारे जो सर है रितेश सर जो वहाँ बॉस है हमारी क्लास के जो पुणे में हमारी क्लास है रितेश सर बाहर बेहतरीन सोफे में बैठे रहते हैं एम्प्लॉ हो फैकल्टी हो स्टाफ हो कोई भी हो सर से आके बात करता है सर उसको फिर बोलते हैं फिर वो सर से आके बात करता है फिर सर उसको बताते हैं तो ये स्पोक है सब उनके पास आ रहे हैं वो भी आ रहा है इसमें एक बात ये है ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है तुम बताओ ना मुकेश अंबानी ऐसे बैठ के बात करेगा क्या मुकेश अंबानी और रतन टाटा बैठे हैं ऐसे ही बताओ फिर रिप्लाई कर रहे बेटा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं और टॉप वाला तो बहुत बड़े लेवल पर डिसीजन लेता है तो ये सिर्फ छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है ध्यान से सुन के लीजिएगा देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है एक ही सिंगल कंट्रोलिंग कौन है ए याद रखना है उसको सिंगल कंट्रोलिंग जो कि इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देगा सारे एम्प्लॉयज को जो उसके अंदर काम कर रहे हैं सारे एम्प्लॉयज इंस्ट्रक्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम अ रीडर और उसी को रिपोर्ट बैक करते हैं ये डायरेक्ट है और अफिशियंट और स्मॉल बिजनेस के लिए है बड़े बिजनेस के लिए नहीं है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं वहां पे बहुत सारे डिसीजन मेकर की जरूरत होती है बराबर है क्या जैसे रिलायंस है टाटा है यहां पे जो वन पर्सन मेकिंग डिसीजन ले सकता है नहीं और बोले ये जो बीच वाला पर्सन है ना इसका कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं है डिसीजन लेने के काबिल नहीं है पूरा का पूरा इंटायर बिजनेस सफर करेगा टोटल अपन ने चार पढ़ा सर एक वर्टिकल है सुपीरियर से सब ऑर्डिनेट में आता है उसके बाद अपन ने सर्किट पढ़ा सर एक भेज रहा है उसको रिप्लाई कर रहा है सर्किट है फिर सर चेन ऑफ कमांड ए बी को बोल रहा है बी सी को बोल रहा है सी डी को बोल रहा है सर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कई बार इसमें अनक्लियर हो जाता है मैसेज सर ये क्या है व्हील स्पोक ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से डायरेक्ट बात करता है फिर लीडर उसको बताता है और ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय है और उसका कॉम्पिटेंट होना जरूरी है जो बीच में है नहीं तो पूरा का पूरा बिजनेस सफर करेगा ये चौथा वाला पॉइंट है ठीक है पांचवे में, में आते हैं पांचवा देखो ये स्टार नेटवर्क है एडिंग बिडिंग कोई डिसीजन में कर नहीं है तुम इधर जाओ तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ तुम इधर जाओ इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं कौन कौन बियर बाइसेप्स वाले कौन कौन बियर बाइसअप वाले यूट्यूब चैनल को फॉलो करता है बियर बाइसेप करके है रणवीर अलाब रणवीर अलाहाबादिया याद आ रहा है आपको रणवीर अलाबादिया बी आर बाई बताओ मेरे को बी आर बाई कौन कौन करता है बी आर बाई से यूट्यूब चैनल है बी आर बाई में रणवीर अलाहाबादिया है दैट रणवीर अलाहबादिया का एक कंपनी है मंक इंटरटेनमेंट दैट मंक इंटरटेनमेंट वाली कंपनी में स्टार नेटवर्क चलता है स्टार नेटवर्क का मतलब वहां पे ओनर होने के बावजूद भी वो सब टीम में काम करते हैं एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद डिसीजन लेते हैं भले वो एक जन ओनर है लेकिन वो सबसे पूछने के बाद ही डिसीजन लेता है समझ में आई तो वो स्टार नेटवर्क का एक वो है तो देखो स्टार नेटवर्क में क्या हो रहा है स्टार कम्युनिकेशन नेटवर्क में मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत सारे ओपन बिटवीन ऑल मेंबर्स ठीक है इसमें क्या होता है ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जहां पर टीम वर्क इन्वॉल्व है देखो लिखा हुआ है ना टीम वर्क द मेंबर्स कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर फ्रीली विदाउट हिंड्रेंस और हेजिटेशन यहां पे कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो स्टाफ हो चाहे वो ओनर हो सबसे डिस्कशन करने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा दैट्स स्टार नेटवर्क बराबर है क्या ठीक है स्टार लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा नेटवर्क होना चाहिए बिल्कुल मैं आपको बताता हूं इसमें से तो कोई सा भी नहीं होगा इसमें से कोई सा भी नहीं होगा उसमें ये वाला होगा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला चेन बॉस ऊपर है वो नीचे वाले को दिया फिर नीचे वाला नीचे को देता है फिर नीचे वाला नीचे को देता है बहुत सारे डिसीजन मेकर होते हैं नीचे नीचे लेवल पे वो चेन नेटवर्क में काम आएगा ठीक है जी चलिए स्टार नेटवर्क भी हो गया लास्ट के दो पेज बचे हैं ये तो एकदम जोरदार है इसको समझ के लेना ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया अपने ऊपर का पूरा अब अपन इसमें आ रहे दो पेज बचे चैप्टर खत्म हो जाएगा तुरंत जाके खट से इसको रिवाइज कर लेना छह मार्क्स अपने जेब में डाल लेना जो रिवाइज नहीं करेगा भाई निपट जाएगा मैं पहले बता रहा हूँ इतनी मेहनत मेरी बर्बाद चले जाएगी ठीक है ठीक है नहीं बताऊंगा भाई कितनी देर क्लास चलेगी नहीं बताऊंगा आज रात भर पढ़ेंगे हम लोग रात भर जगराता करेंगे जय माता दी जय माता दी करके नहीं बताऊंगा ठीक है सुनिएगा चलिए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ठीक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सी खास बातें होनी चाहिए दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है अब इसके लिए ना मैं तुमको एक बहुत बेहतरीन वीडियो दिखाऊंगा मजा आएगा तुमको मजा वो वीडियो में तुमको नॉलेज भी दिखेगा और वीडियो में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखेगी बताओ आप देखना चाहते हो हाउ द जोश मैन देखना चाहते हो कि नहीं बताओ फटाफट ठीक है तो ये सारी बातें पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसकी समझ बैठेगी फिर अपन कंटेक्स पढ़ेंगे फिर अपन कॉन्टेक्स पढ़ेंगे तो पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं वीडियो दिखाऊंगा फिर अपन कंटेक्स पढ़ेंगे यस एवरी ठीक है चलिए तो सबसे पहले ना मैं आपको एक एक बातें बता देता हूं ठीक आप जो भी बातें करोगे ना ये क्लियर होनी चाहिए क्लियर यानी कि सरल शब्दों में आसान शब्दों में आपको बोलना है क्लियर मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा पहले पॉइंट्स पॉइंट्स पढ़ रहा हूं ठीक है उसके बाद बोले कॉन्साइज होना चाहिए जितना छोटा रहेगा ना जितना संक्षिप्त जितना क्रिस्प में बोलोगे उतना मजा आएगा ये दोनों चीज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कॉन्क्रीट होना चाहिए कॉन्क्रीट का मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर होना चाहिए बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर होना चाहिए अब मैं पहले ये तीन समझाऊंगा कौन कौन सा क्लियर कॉन्साइज और कॉन्क्रीट ठीक है ठीक है क्लियर कॉन्साइज और कॉन्क्रीट अब क्या होता था मैं तुमको बताता हूँ जब मैं नया नया जब मैं नया नया इस इंडस्ट्री में एंटर किया था जब मैं नया नया इस इंडस्ट्री में एंटर किया था आ, मुझे एक ब्रांच दी गई थी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ अभी वहाँ पर तो ब्रांच दी गई थी मुझे संभालना होता था तो वहाँ मुझे सेमिनार लेने होते थे तो मैंने सेमिनार में बहुत कुछ सीखा मैंने डेढ़ साल लगातार नई नई करके नई नई करके मैंने डेढ़ साल में कम से कम 200 से 300 सेमिनार लिए मैंने शायद ज़्यादा शायद ज़्यादा शायद ज़्यादा तो वहाँ पे जब पेरेंट्स और वहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते थे तो ना जब उनको पता ना होता था ट्वेल्थ के बाद कि सी ए सी क्योंकि मैं तीनों में पढ़ाता हूँ और हमारी क्लास भी तीनों में ऑपरेट करती है तो मुझे ना वहाँ पे उनको बहुत क्लियरली बताना होता था जैसे कि क्या सर जैसे आप ट्वेल्थ पास किए अभी तो ट्वेल्थ पास किए हैं तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट समझना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किधर है सी ए फस ऑडिटिंग टैक्सेशन से डील करता है सर तो फिर मुझे ये बताना होता था कि वॉट ड्यू मीन माई फाइनेंस टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग सी जो है वो पूरे लॉ से डील करता है लॉ के कंप्लाइंस है तो मेरे को उसका एग्जाम्पल देना पड़ता था क्लैरिटी देनी पड़ती थी क्लियर बोलना पड़ता था ठीक है और उसके बाद मेरे को सी के बारे में बताना पड़ता था तो उनको क्लियरिटी आती थी उसको लगता था यार क्या समझाया मास्टर एकदम क्लियर और कॉन्साइज मैनर में कम बोलने का ज़्यादा डिटेल दोगे ना उनको ज़्यादा डिटेल जैसा अगर बता दिए कि ना कंप्लायंस ऑफिसर होता है बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है बोर्ड मीटिंग में ना उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है भाई उसके सिर से निकल जाएगा अच्छा बोर्ड मीटिंग गाइडलाइन अच्छा अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा कोर्स लग रहा है हमको भाई पेरेंट्स और वो पहले ही दम तोड़ दे ठीक है तो उनको ना बहुत क्लियर कॉन्साइज में ना क्रिस्प में कि सर क्या होता है आपको लॉ पढ़ना रहेगा और लॉ के लिए जो जो कंप्लाइंस होते हैं जैसे कि सर गाड़ी चलाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा बराबर है क्या हां बोथ ग्रुप बेटर है कि सिंगल ग्रुप यही सर यही वाली भी जो बात है ये सब क्लियर बताना पड़ता है उनको और क्लियर हो गया कॉन्साइज हो गया और साथ साथ में इनको क्या करना था कॉन्क्रीट अब जैसे ना वहां पे मेरे को बोलते हैं कि सर हमने सुना ना सीएस बहुत हार्ड है सर सीए बहुत हार्ड है सी एम बहुत हार्ड है होगा कि नहीं होगा तो मैं ना फैक्ट्स और फिगर लेके बैठता था फैक्ट्स और फिगर लेके ओ सर मेरा बात सुनो ना मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ सौ बच्चा बैठता है ना पचास पास होता है पचास फेल हो जाए बराबर है क्या सर पचास पास होता है वही क्लास से और पचास फेल होता है वही क्लास से कारण क्या है बच्चे के हार्ड वर्क पे और ये देखो सर ये हमारा लास्ट टाइम का रिजल्ट है ये देखो इतने ए आ रहा है और देखो पूरे इंडिया के अंदर इतने बच्चे पास हुए पच्चीस का रिजल्ट था मैं फैक्ट्स एंड फिगर लेके बैठता हूँ तो मेरी बातों में दम होना चाहिए मेरी बातों को सपोर्ट करने के लिए पीछे कोई कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए समझ में ही बात तो क्लियर कौन साइज क्लियर मतलब स्पष्ट बोलो जो है गुमराह करने की कोशिश मत करो जैसे मैं क्लियर बताता हूँ सर सी एस करना है तो इस डेट तक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए इस दिन तक क्लास हो जानी चाहिए उसके बाद अपन आगे करेंगे ठीक है ये क्लियर हो गया कौन साइज यानी कि छोटे में बताना है ये नहीं सर इतने से इतना बैच रहेगा फिर ये क्लास होगी फिर बच्चे का सिलेबस होगा फिर ये होगा ये बात की बातें एडमिशन की बात की बातें तो क्लियर कॉन्साइस एंड कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट का मतलब मेरी बातों को सपोर्ट करने के लिए पीछे कोई मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए समझ में आई क्या बात समझ में आई क्या बात ठीक उसके बाद बोल रहा है कोहरेंट कोहरेंट का मतलब होता है सीक्वेंस कोहरेंट का मतलब क्या होता है सीक्वेंस होना चाहिए वीडियो दिखाऊंगा बहुत जल्दी मेरे को पता है बहुत लोग को वीडियो का इंतजार होगा दिखाऊंगा कई लोगों ने वो वीडियो देख के रखा होगा बहुत नॉलेजेबल वीडियो भी है और ये पूरी बातें उसमें कवर होगी कोहरेंड का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा कोहरेंड का मतलब ये होता है आप जो बोल रहे हो ना उसका एक लॉजिक और एक सिक्वेंस होना चाहिए अगर आपको मैं सी के लिए गाइड कर रहा हूं तो पहले ये बताऊंगा क्या कि सर लास्ट लेवल ना सी फाइनल होता है बीच वाला सी इंटरमीडिएट होता है और फिर सबसे पहला वाला सी फाउंडेशन होता है तो सर सी ए इंटरमीडिएट में ना दो ग्रुप होते हैं आठ सब्जेक्ट होते हैं सी ए इंटर में दो ग्रुप होते हैं उसको करने के बाद ट्रेनिंग होता है और सबसे पहला सी ए फाउंडेशन होता है ऐसे बताऊंगा कि ऐसे बताऊंगा कि सर ट्वेल्थ के बाद पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाओ सर सी ए फाउंडेशन होता है पहले ये फाउंडेशन लेवल है चार एग्जाम होंगे ये क्लियर होगा फिर आप इंटर में जाओगे और सर इंटर में जाने के बाद आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तीन साल की सर फिर फाइनल है फाइनल में आठ सब्जेक्ट फिर आप सी ए बनोगे भाई मैं तो पहले सी ए बना दे रहा हूँ फिर फाउंडेशन में ला रहा हूँ बराबर है क्या तो कोहरेंट होना चाहिए बीच बीच में उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए पैकेज तक की बात करके आऊंगा कंप्लीट बात करूंगा बराबर है क्या और, और क्या होना है अपने को कर्टियस होना है। पोलाइटली बात करनी है एकदम पोलाइटली की भाई ज्यादा ऑफेंसिव नहीं होना है बराबर है क्या जैसे कि क्या होता पता है क्या कभी कभी वहां पे मेरे को पेरेंट्स आते थे क्या बोलते थे पता है क्या बोले सर हमने सुना है कि सर टीचर लोग ना पैसा लेने के बाद पढ़ाते नहीं ढंग से जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक ही ढंग से पढ़ाते फिर मेरा दिमाग सटकता था जोरदार बोला सर मेरे यूट्यूब में जाके देखो एक बार कुछ पैसा नहीं मिलता मेरे को मैं मैं टीचर हूँ इसलिए पढ़ाता हूँ पढ़ाने के लिए पैसा नहीं लेता हूँ टीचर हूँ इसलिए पढ़ाता हूँ पढ़ाने के लिए पैसे नहीं लेता हूँ समझ में ही बात तो ये जब मैं बोलता हूँ ना तो ऑफेंसिव नहीं होता मतलब सर आप सुनो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी वो बाकी जगह होता होगा बट हमारे यहाँ नहीं होता है सर हम लोग सारे बाय पैशन टीचर हैं ऐसे पोलाइटली बोलना पड़ता है पेरेंट्स लोग नाराज हो जाएंगे एडमिशन कहाँ से लेंगे फिर बराबर है ना ठीक है चलिए ये देखो उमेश बोल रहा है एक फ्लो में होना चाहिए अब कौन से फ्लो के बारे से बात कर रहा है देखो एकदम मन क्लियर है ना ये कौन से फ्लो के बात बात कर रहा है लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको सुनना पड़ेगा समझने के लिए अगर आप समझोगे नहीं भड़ 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 बोलते जाओगे तो समझोगे कैसे यार समझ में ही क्या बात तो आपको सुनना पड़ेगा लिसन करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए अब ये क्या है आपको पता है क्या पेरेंट्स आते थे हमको बताते थे मैं बताता हूँ हाँ इसका एग्जाम्पल देता हूँ लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स आएगा पेरेंट्स आके क्या बताता है मैं तुमको बताता हूँ पहले बोले सर ये हमारी बच्ची है सर इसके ना ट्वेल्थ में सर नाइन्टी एट परसेंट है सर इसको ना मतलब टीचर लोग बहुत पसंद करते हैं सर आपकी एकेडमी में आएगी ना सर तो बहुत नाम रोशन करेगी सर बहुत अच्छे से करेगी सर आप लोग इसके ऊपर ध्यान दोगे ना सर जैसे तैसे हमने इसको पढ़ाया है थोड़ी सी घर की कंडीशन भी अच्छी नहीं है और स्कूल में भी रहा ना तो स्कॉलरशिप लेके इसको पढ़ाए हैं अच्छा करेगी सर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम करेगी ये सुन के भाई बहुत क्लियर है भाई को चाहिए डिस्काउंट ये सुन के क्लियर है कि भाई को चाहिए डिस्काउंट भाई को पूरा डिस्काउंट चाहिए फ्री में पढ़ना है समझे क्या दिखने में भाई बराबर दिख रहा है लेकिन दिखने में भाई बराबर एकदम दिख रहा है लड़की भी बराबर दिख रही कोई फाइनेंशियल कमी नहीं है लेकिन तुम सुनो पहले वो बोल क्या रहा तुमको समझ में आएगा क्या चाहिए उसको डिस्काउंट चाहिए समझ में ठीक है तो लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको सम, सुनना पड़ेगा समझने के लिए बराबर क्या? है क्या ठीक है फोकस एंड अटेंशन मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा पूरा कंटेक्स मार्क कराऊंगा पहले मैं जॉट जॉट पॉइंट समझा रहा हूं वीडियो दिखाऊंगा आपके दिमाग में एक समझ क्रिएट करूंगा वो समझ क्रिएट करने के बाद मैं कंटेक्स में भी मार्क करूंगा डोंट वरी ठीक है जी चलिए फोकस एंड अटेंशन आपको कोई भी बात या कम्युनिकेट करने के बाद फोकस होना जरूरी अटेंशन होना बहुत जरूरी है ठीक है मान लीजिए कोई इंसान बहुत परेशान है या बहुत इमोशनल है आप उसको कुछ बात बोलोगे उसको समझ में नहीं आएगा उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है बोले कितने सारी चीज़ अपन एक्टिविटीज़ करते हैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हैं देखो यहाँ पे क्या लिखा है एवरीडे वर्क इन्वायरमेंट में मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है गोइंग ऑन साइमल्टेनियस जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ आज तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं मोबाइल वोबाइल बंद करके बैठा हुआ मैं जब काम करता हूँ ना यहाँ पे मैं कुछ नोट्स बना रहा हूँ या मैं अपने सिविल जज की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे को इंक्वायरी आ रही है यहाँ पे बच्चा बोल रहा है सर मेरे को नोट्स नहीं मिले वहाँ पे कोई बच्चे ने लेक्चर परचेस कर रहा है या कोई इंक्वायरी का फोन आ रहा है सर क्या करना है कैसे करना है इतना काम बिगड़ता है ना एक बार तो क्या हुआ बच्चा बोला बोले मेरे को लॉ का लेक्चर चाहिए क्या सिलेबस है अब उसने बोला लॉ का लेक्चर है मैं बहुत सारा काम कर रहा था वो सी फाउंडेशन का लॉ का लेक्चर मांगा मैं सी इंटर का सिलेबस बता दिया उसको क्यों पिछली तीन इंक्वायरी मैंने सी इंटर की ली थी अब वो भी बोल रहा है मेरे को लॉ के लेक्चर चाहिए सिलेबस क्या मैं बता दिया सी इंटर का सिलेबस अब भाई तूने भी नहीं बताया तू क्या और मैं भी साला इतना इधर उधर काम कर रहा हूँ मैं भी अटेंशन नहीं दे पाया तो काम का इतना सारा मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है कि वो क्या बोल रहा है कैसे बात कर रहा है अपने को समझ में ही नहीं आ रहा तो फोकस और अटेंशन होना बहुत जरूरी है फोकस और अटेंशन होना बहुत जरूरी है देखो फोन भी बज रहा है इनकमिंग ईमेल भी आ रहे हैं नंबर ऑफ टास्क रिक्वायरिंग और अटेंशन एंड एंग्जाइटी रिलेटेड टू वर्क इमोशनल डिस्ट्रेस कैन डिस्ट्रैक्ट यू ये सारी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है बराबर है क्या तो इसीलिए अपने को फोकस और अटेंशन बना के रखना जरूरी है अब ये लास्ट बोल रहा है इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल इमोशनल अवेयरनेस इसका भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ मस्त एग्जाम्पल देता हूँ इसका बराबर है क्या अब नाइन्थ वाला अपने को क्या बोल रहा है पता है क्या इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल अभी देखो मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे आते हैं यार बहुत सारे कुछ बुद्धू भी बनाते हैं इसका जेनविन प्रॉब्लम भी होता है कुछ बुद्धू कैसे बनाते पता है क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन दुनिया का कि ना मेरी मम्मी ऐसा फलाना चीज़ बेच के ठिकाना चीज़ बेच के पढ़ा रही है सर कुछ डिस्काउंट दे दो जबकि मेरे लेक्चर ऑलरेडी बहुत मैंने नॉमिनल प्राइस में रखा है मतलब मेरा ऐसा है कि मेरा मेन इंटेंशन कमाने का नहीं होता है मेरा मेन इंटेंशन रहता है भाई मेरा टीचिंग का करियर चलते रहे मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूँ और उसकी वजह से मेरे को चार पैसे बच जाए बराबर है क्या मेरे सारे लेक्चर्स के बहुत नॉमिनल रेट है जबकि तुम क्वालिटी देखोगे तो सुपर से ऊपर है लेकिन फिर भी मेरे को चलता है मतलब कोई बात नहीं भाई बच्चे के पास लेक्चर जा रहा है ना उसको अच्छा लग रहा है ना बच्चा मेरे को पसंद करे मेरी टीचिंग को वो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है बराबर है क्या तो उस सिचुएशन में क्या होता है बच्चा को आ जाता है बहुत इमोशनल अवेयरनेस है ऐसा है वैसा है तो मैं पहले भी जब सेमिनार लेता था तो भाई जब बताता था ना कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया तीन बार सर पैसे की बहुत प्रॉब्लम है तो ऐसा लगता था भाई मैं ना तेरे को फ्री में पढ़ा दूँ और तेरे को चार पाँच हजार रुपये ऊपर से दे दूँ मैं ऐसा लगता था मैं पैसे दे दूँ क्या कर लूँ लेकिन वहाँ पे आपको इमोशनली अवेयर होना पड़ेगा कंट्रोल भाई कंट्रोल सबके साथ होता है जीवन में ठीक है बहुत प्रॉब्लम है फ्री में पढ़ा देंगे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है रजिस्ट्रेशन का भाई सीए का रजिस्ट्रेशन का पैसा तू ही बियर कर ले भाई मेरे को तो ऐसा लगता था इसका रजिस्ट्रेशन भी मैं करा दूँ इसका एग्जाम फॉर्म भी मैं भर दूँ मेरे को ऐसा होने लग जाता था उस सिचुएशन में ऐसा लगता था फिर मैं सर को फ़ोन करता था कि सर एक बहुत केस आया ऐसा करके तो सर क्लास फ्री कर देते जो नोट्स वोट्स के कॉस्ट होंगे वो ले लेंगे और रजिस्ट्रेशन इसको बोल देंगे लेकिन सर पढ़ने लिखने वाला बच्चा है तो आई हैव टू बी इमोशनल अवेयर भाई इमोशन में आकर कुछ भी बह के मत कर दो समझ में ही क्या बात भावनाओं में नहीं बहना चाहिए भाई बुलाती है मगर जाने का नहीं समझ में ही क्या बात चलिए मेरी बात सुनिएगा इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल ठीक है तो सुनिएगा अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ वो वीडियो आप सुनिएगा सारी चीज़ समझेगा और मेरे को बताना उसमें ये सारी चीजें कवर है कि नहीं आपको एक क्लैरिटी आएगी देखना क्लियर कॉन्साइंस कॉन्क्रीट कोहरेट सब आएगा ध्यान से सुनकर ठीक है जी जस्ट अ मोमेंट एक ही सेकेंड बस जस्ट अमेंट बच्चो जस्ट अमेंट ठीक है प्लेटफॉर्म आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू The T20 Test Series that we have at 8 जितनी स्विट्ज़रलैंड की टोटल ये पांच मिनट का है लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको पूरा सुनो पांच मिनट का रहेगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप पूरा सुनो आपको पूरी चीज समझ में आएगी और नॉलेजेबल भी बहुत नॉलेजेबल है ध्यान से सुन के लीजिएगा ठीक है मैं शुरू करता हूं पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर वन पे है इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने जीरो नोबल लॉरियट्स प्रोड्यूस किए इन साइंस यूएसए ने 100 प्लस कर दिया ए -E की रिपोर्ट के हिसाब से 83 परसेंट एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है और ये जो सुंदर पिचाई पिछाई सत्यानदेला की हम बात करते हैं इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी है और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दो मेजर चैलेंजेस थे एक कम्युनिकेशन विद इंडियन दूसरा वर्कर्स और प्लर्स की बहुत जरूरत थी उन्हें फिर थॉमस वेविंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ एटीन दिया जिससे उनके दोनों पर्पज पूरे हुए पहला उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पे बैठे अपना काम करें क्वेश्चन ना करें और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो सेकेंड कॉम्युनिकेशन इन इंग्लिश इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन गया इंडिया में रशिया चाइना फ्रांस ये सब जगह इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेके जितना इंडिया में है पोअर कॉम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है पाँच साल पुराना आई भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कॉम्पिटिशन होता है जो ज़्यादा रट लेता उसके है उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं अब 95 परसेंट जिसके संस्कृत में आए हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है और बेसिक हिस्ट्री होने की बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें हैं है हिस्ट्री की जिसका कोई मतलब नहीं है अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना आप गूगल से पता कर लोगे उसके लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना कुछ और ये गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है बारह बारह साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं और बिना किसी बुक को पढ़े पाँच साल का बच्चा सीख लेता है क्योंकि उसको उसको वैसा एन्वायरमेंट मिल जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है किसी को नहीं पता ना प्रिंसिपल ना टीचर ना बच्चे बस पढ़ाई चले जा रहे हैं इसका कुछ मतलब हो लेकिन आप ट्राई करके देख लेना किसी को नहीं पता हाँ टू ए बी की जगह अगर आपने थ्री ए बी बोल दिया तो चार लोग हंसने वाले मिल जाएंगे आपके ऊपर किंडर गार्डन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक यूज होती है वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज की वो रटने वाली टेक्निक से और जिन बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आते हैं ना जो वो छुपा छुपा के एग्जाम में लिखते हैं आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं ना तो ज्यादातर क्रम्बल करते हैं हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज़ सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक मतलब नहीं होता अब एक लाइन से आप शेर मछली सांप हाथी सबको लाइन से खड़ा कर दो और उनसे कहो पेड़ पे चढ़ो उनको तो ज़िंदगी भर यही लगेगा ना कि वो तो किसी काबिल ही नहीं है फद्रोनाचार ने भी पांडवों को उनकी स्किल सेट के हिसाब से उनको चीज़ें सिखाई सबको एक ही चीज़ नहीं सिखा दी और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है सबसे ऊपर साइंस फिर कॉमर्स और सबसे नीचे जाके कहीं नंबर आता है आर्ट्स का आर्ट्स लेने वाले को तो लोग इतना हल्के में लेते हैं जैसे वो किसी काम का ही नहीं है हर माँ बाप को तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है कॉलेज वाले अगर एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप एंट्री नहीं कराएंगे तो वो सारा पैसा बर्बाद होगा कॉलेज का तो ऑप्शन कहाँ से आएंगे और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है माँ बाप भाई बहन रिलेटिव सब ये समझाते हैं अगर आपके मार्क्स नहीं आए और जॉब नहीं लगी तो आपकी ज़िंदगी बेकार है और लाइफ की क्रिएटिविटी को आप रखते हो साइड में और ये अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब पाना आपका सपना बन जाता है अब ये सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है दूसरे को जेलेस फील कराओगे नीचा फील कराओगे और इस छोटी सी उम्र में अगर सपना टूट जाता है तो सेल्फ डाउट में आ जाओगे इतना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझेंगे जितना आप खुद की नजरों में गिर जाओगे आप किसी भी चार पांच सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे चाहे वो जो भी हो धीरू भाई अम्बानी विराट कोहली आमिर खान नरेंद्र मोदी ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे इन्होंने खुद सीखा खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े किसी कंपनी के सीई को अगर ये कहा जाए कि आप अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल लेगा और ये भी हो सकता है कि वो आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ना करे एजुकेशन वाइज लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है तो ये जो एक स्किल है इसके बारे में बात क्यों नहीं होती लोग अपनी 25 से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा है ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है अगर वो इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटीज हैं पॉलिटिशियंस हैं वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए जिस एरिया से वो जीते हो उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ना कंपलसरी हो जाए तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं थ्री सिक्सटी की जॉब के लिए वन लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया मैं आई एस पी सी एस की तो बात नहीं करता हूँ वो तो एक पैशन की बात होती है लेकिन कुछ लोग पाँच पाँच छः छः साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उन्हें उनसे पूछोगे क्यों ऐसे इतने टाइम से लगे हुए हो तो वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि जॉब सिक्योर है मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा ये सारी काम चोरी वाली बातें माइंड में इसीलिए आती है क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है कि हम अपनी स्किल के दम पे कहीं जाके काम करें और हमें निकलने का डर ना हो मैं आने वाले दस साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ अगर मैं आने वाले पांच साल की भी बात करूँ तो टेक्नोलॉजीज में इतना ज्यादा चेंजेस आ जाएगा कि जो आज हम पढ़ रहे हैं जिस स्किल पर हम फोकस कर रहे हैं पता नहीं वो रेलेवेंट भी होगी कि नहीं उस समय क्लाउड कंप्यूटिंग एस डिजिटल मार्केटिंग ये सब जॉब्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी हम लोगों को एजाइल होना पड़ेगा नई नई चीजों बताइए मुझे क्या समझे आप क्या समझे आप लोग दम था उसकी बातों में हर चीज के पीछे उसके पास फैक्ट थे उसके पास फिगर थे उसके बाद में लॉजिक था वो बहुत क्लियर बोल रहा था बहुत कॉन्साइज एकदम तुमको लगा कुछ इलेबोरेट कर रहा है कुछ डिटेल बोल रहा है कट टू कट बात कर रहा था कट टू कट समझ में आई क्या बात क्लियर था कॉन्साइज था कॉनरेंट था कॉन्क्रीट था लॉजिक था सब कुछ था उसकी बात में समझ में आई क्या बात बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है ठीक है जी चलिए अब अपन अपने कंटेक्स में आते हैं मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ठीक है चलिए एजुकेशन पॉलिसी अब चेंज हो चुकी है चार पांच साल में इंप्लीमेंट भी हो जाएगी आने वाले चार पांच साल में ठीक है जी चलिए सुनना मेरी बात को तो देखो सबसे पहले अपने को क्या बोला है क्लियर होना चाहिए ध्यान दीजिएगा एनी स्पोकन और रिटर्न कम्युनिकेशन टू स्टेट द पर्पज ऑफ मैसेज क्लियरली जो आप बोल रहे हो रिटर्न कर रहे हो बहुत क्लियर होना चाहिए ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी थी सबको समझ में आ गया इतनी सिंपल लैंग्वेज है ये वीडियो को मेरे पापा भी देख चुके मम्मी भी देख चुकी आपको भी समझ में आ गया एक एक बात कोई भी बात आपको लगी जो आपको समझने की क्योंकि लैंग्वेज एकदम सिंपल थी ठीक है चलिए सेंटेंस ऑट टू बी शॉर्ट एज द कोर मैसेज इज लॉस्ट इन लॉन्ग देखो इन्होंने छोटे छोटे सेंटेंस यूज कर करके बोला कुछ भी डिटेल में बात नहीं की सेंटेंस शॉर्ट था एकदम क्रिस्प था आपको समझ में आने लग गया बराबर है क्या ठीक है चलिए ईच आइडिया और पॉइंट मस्ट बी एक्सप्लेन इन सेपरेट बुलेट पॉइंट हर बात को वो अलग अलग चीजों में करके कर रहा था Easy था इजी रीडर जो था सुनने वाला था उसको जल्दी से समझ में आ गया कॉन्साइज ब्रेविटी का मतलब होता है कॉन्साइज मतलब टू द पॉइंट बात करना इधर उधर नहीं टू द पॉइंट दैट्स अ ब्रेविटी ब्रेविटी इज द एसेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन किसी के पास टाइम नहीं है आपकी लंबी ऐसे को सुनने के लिए अब देखो पांच मिनट का वीडियो था लेकिन पांच मिनट में इतनी अच्छी अच्छी बातें थी कि आप पांच मिनट आपको पता ही नहीं चला निकल कहां गए आपका इंटरेस्ट आ गया था वीडियो में बराबर है क्योंकि टू तो द पॉइंट बात था इधर उधर बात नहीं था किसी को समय नहीं है भाई तुम्हारा डिटेल सुनने का सीए का एग्जाम है और बहुत सारे काम है अपने को। समझ में आई के बाद किसी को टाइम नहीं है ठीक है बिसाइड द कोर कंटेंट इज लॉस्ड अगर आप लंबी बात करोगे कोर कंटेंट चले जाएगा बहुत सारे इरेलीवेंट्स को आप अवॉइड करो यस यू सी आई मीन टू से बार बार रिपीट मत करो कॉन्साइज रहो कॉन्क्रीट रहो कंटेंट जो रहेगा वो टेंजिबल होना चाहिए बराबर है यानी कि फैक्ट्स और फिगर में जिनने नाम लिया ना सचिन तेंदुलकर विराट कोहली ये अपने स्किल के ऊपर बने बोले ये अपने दम पे बने बोले तो इसकी बात में फैक्ट्स थे बराबर है क्या आइडियाज़ था ठीक है मेक श्योर दैट देर इज अ सफिशियंट डिटेल पूरी डिटेल वो इकट्ठा करके रखा था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा अंग्रेज जब राज करते थे तो क्या करते थे वो सारे इसके पास फैक्ट्स अवेलेबल थे बोलने के लिए कोहरेंट यानी कि लॉजिक मैंने आपको बताया था स इन राइटिंग एंड स्पीच रिफर टू लॉजिकल ब्रिज लॉजिकली जाओ एक एक करके सीए फाइनल से सीए फाउंडेशन मतलब लेके जाओ ठीक है जी चलिए तो देखो यहां पर बोला था ऑर्गेनाइज एंड लॉजिकली प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विच इज इजिली अंडरस्टूड ठीक है जी जितने ऑल कंटेंट अंडर द टॉपिक वो रेलिवेंट होने चाहिए इंटरकनेक्टेड होने चाहिए और प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करो फ्लो में कंप्लीट होना चाहिए ठीक है जी चलिए इट कीप्स इन माइंड द रिसीवर्स इंटेलेक्ट एंड एटीट्यूड सब बातें कंप्लीट होनी चाहिए चलिए नेक्स्ट कर्टियस वाला एग्जाम्पल मैं आपको दे ही चुका हूं ऑलरेडी बस आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग भी आपको मैं बताया ना कि आप समझो वो बोलना क्या चाह रहा है ठीक है तो देखो यहां पे लिखा है वी हियर कन्वर्जेशन न्यूज गॉसिप एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ स्पीच ऑल द टाइम लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज नॉट लिसन टू केयरफुली केयरफुलर फॉर नॉट अंडरस्टूड ध्यान से सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है तो बोले जो अच्छा लिसनर होता है ना वो सिर्फ सुनता नहीं है बोलने के लिए सुनता है बट टू ऑब्जर्व केयरफुली द नॉन वर्बल क्यूज जैसे मैंने बताया ना वो क्या बोलना चाह रहा था अच्छा पढ़ती है अच्छा करती है वो बताना क्या चाह रहा था अल्टीमेटली कि मेरे को डिस्काउंट चाहिए तो मैं उसकी बातें सुन के उसके अंदर की बात में समझ में आ गई थी मेरे को ठीक है ही अब्जर्व द गिवन इन्फॉर्मेशन प्रोसेस इट अंडरस्टैंड इट कंटेक्स एंड मीनिंग टू फॉर्म एक्यूरेट रीजन इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स तो लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग ये अपन ऑलरेडी कवर कर लिए फोकस एंड अटेंशन और ये वाली बात थी भैया ये अपने इमोशंस को अपने को संभाल के रखना है तो आपको इसको रीड करना है सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी जो बातें बोला हो ना वही बातें आपको समझ में आएंगी एग्जाम्पल में तो ये अपना इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल हो गया ठीक अब ये लास्ट बैरियर वाली बात है ठीक है ये अपना जेंडर बैरियर तक जाएंगे और ये भी अपनी ख़त्म होने वाली क्लास हार्डली दस मिनट की बची है कि कौन कौन से बैरियर आते हैं अपने पास कौन कौन से बैरियर आते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के वक्त ध्यान से सुन के लीजिएगा सबसे पहले फिजिकल बैरियर ये ध्यान से सुन के लेना पहले इसके भी कॉन्टेक्ट समझाऊंगा एग्जाम्पल दूंगा उसके बाद मार्क करवाऊंगा ध्यान से सुन के लेना फिजिकल बैरियर किसकी किसकी तुम्हारी मम्मी रहती है भाई ग्राउंड फ्लोर में तुम सेकेंड फ्लोर में हो आ, करके चिल्लाती ऊपर तक पूरा मोहल्ला सुनता है लेकिन आप नहीं सुन पाते हो और मम्मी आपको बोलेगी पूरे मोहल्ले को समझ में आ गया तेरे को बुला ली लेकिन तू नहीं है अब भैया ये फ़िज़िकल बैरियर क्यों है भाई आप सेकेंड फ्लोर में आपका रूम बंद है आपके रूम में चल रहा है पंखा आप घुसाए हुए हेडफोन और आप देख रहे हो मूवी तो पूरा मोहल्ला तो सुनेगा ही ना आप कहाँ से सुन पाओगे क्योंकि फिजिकल बैरियर है यार रूम में हो मम्मी नीचे है कहाँ से बात होगी तो ये बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में है, बराबर है क्या ठीक है जी चलिए फिजिकल बैरियर हो गया डिस्टेंस है दूर दूर है तो अपने को सुनाई नहीं देता और खासकर मैं आपको बताता हूं मम्मी जब किचन में होती है तो किचन में भाई वो आप रूम से भी चिल्लाओगे ना मम्मी मम्मी वो नहीं सुनती क्यों भाई आपका रूम और किचन और किचन में इतने सारे डिस्टर्बेंस चल रहे फिजिकल बैरियर है तो यू मस्ट गो मम्मी के पास जाओ और वहां जाके बात करो क्योंकि नहीं सुनेगी समझ में चलिए ध्यान दीजिएगा ठीक है तो ये फिजिकल बैरियर फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर अभी ये समझ के लिए नहीं ये क्या बोल रहा है तुमको पता है क्या जब मैं अपनी ट्रेनिंग में था अपने पुणे में था मैं पुणे से मैंने ट्रेनिंग की है तो पुणे में मेरे साथ एक मेरा फ्लैटमेट हुआ करता था वो जो फ्लैटमेट है वो जिस कंपनी में काम करता था ना जिस कंपनी में वो काम करता था ट्रेनिंग करता था वो भी सी कर रहा था उसको यही नहीं पता था जिस कंपनी में वो काम कर रहा है ना मतलब जब वो पहली बार गया था मतलब डायरेक्टर का ऑफिस कौन सा है बहुत सारे लोग उसको डायरेक्टर का नाम पता होता था कि डायरेक्टर इस कंपनी का कौन है नाम पता होता था बट जो नाम है वो इसका ही है ये नहीं पता रहता था उसको ये नहीं पहचान थी कि डायरेक्टर कौन है इस कंपनी का नाम पता था डायरेक्टर कौन है पहचान नहीं थी ये ऑर्गेनाइजेशन का बैरियर है यार तुमको डायरेक्टर नहीं पता कौन है तुमको ये नहीं पता तुमको बात किससे जाके करनी है डिसीजन किससे लेना है दैट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जिसमें किसी को कुछ पता ही नहीं कि किससे बात करनी है बहुत जगह आपने देखा होगा आपके साथ भी जनरली जब आप इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट या कॉलेज जाते हो ना तो कॉलेज में एक बंदा आपको यहां भेजेगा वो बोलेगा उसके पास जाओ वो बोलेगा इसके पास जाओ वो बोलेगा इसके पास जाओ गोल राउंड घूम के आ जाते हो और समझ में आ जाते हो कुछ नहीं होने वाला है पापा को लेके जाते हो फिर मम्मी को लेके जाते हो भाई क्लैरिटी चली डिसीजन किधर से लेना है ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पता कौन क्या काम करेगा समझ में ही क्या बात साकेत ने बोला एस बिल्कुल करेक्ट एस वाली बात तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझ के लो तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर एक हो गया लैंग्वेज बैरियर अरे भाई इसका तो खतरनाक एग्जाम्पल तुमको समझाऊंगा दुन सुनना मेरी बात है मज़ेदार एकदम दा, मज़ेदार भाई मैं मैं तो भाई छत्तीसगढ़ी हूँ अब मेरे को भाई आती क्या क्या बोलने हिंदी इंग्लिश पंजाबी अब भाई मैं पुणे में पहली बार आया पुणे में आए तो मराठी मराठी बोलने का भाई ठीक है अब मराठी लैंग्वेज बहुत प्यारी है अब तो मैं थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ समझ भी लेता हूँ मेरे को मज़ा भी आता है मराठी में अब उस समय मेरे को मराठी आती नहीं थी तो हम लोग जहाँ ट्रेनिंग करते थे ना तो ट्रेनिंग में तो बार लॉबी होता था ट्रेनिंग का लॉबी होता था पूरा और लाइन से सेंटेक्स होते थे कि जो हमारा बॉस होता है वो सेंटेक्स लगाता था हमको कॉल कर लेता था और हम उसका कॉल का आंसर करके बात करते थे तो ऐसा होता था कि मान लो अगर किसी और बॉस का ट्रेनिंग और फोन आ रहा है तो हम ही फ़ोन उठा लेते थे और बात कर लेते थे कि क्या काम है कन्वे कर देंगे मैं काम में उलझा हुआ था बहुत ज़्यादा तो काम में मैं उलझा हुआ था ना मैं बहुत बार अलग अलग सिस्टम में ट्राई कर लिया था डिजिटल सिग्नेचर लगाने लगने था, था। तो वहां से लगने का मैं ऑलरेडी बहुत परेशान था ठीक है तो वहाँ से वहाँ से फ़ोन आया और सर का नाम नहीं लेता मेरा दिमाग ख़राब होता उससे उससे फ़ोन आया ठीक है तो जो मेरे बाजू वाली थी वो लड़की थी अब वो लड़की का भी नाम नहीं लेता क्या है करके तो लड़की का नाम फॉर सपोज़ मान लो तुम पूजा लड़की का मान लो नाम तुम समझ लो पूजा ठीक है तो उसके बाद ना फोन आया तो वो बोला कि पूजा आहे का पूजा आहे का बराबर है क्या कि मतलब पूजा है क्या ये मेरे को आज समझता है उस समय नहीं समझता था तो मेरे को इतना समझ गया कि पूजा के बारे से कुछ पूछ रहा है बराबर है क्या मना नहीं है फोन रख दिया क्योंकि मैं अपने काम में था ठीक है क्या मैं अपने काम में था मैं रख दिया फ़ोन अब भाई मैं अपनी घाई गड़बड़ में और वो कौन फ़ोन कर रहा है मेरे को भी नहीं पता और कुछ तो भी उसने और मराठी में बोला था जो मैं बोला हाँ 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 मेरे को समझ ही नहीं रहा था मैं अपने काम में फोकस और ना टेंशन मेरा उधर था मैं हाँ हाँ बोल के क्या बोला मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं रख दिया एंड ही वॉज द सीनियर पार्टनर ऑफ दैट फर्म वेरी सीनियर पार्टनर वेरी 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 सीनियर पार्टनर भाई वहां से दौड़ते हुए आए बोले तरीका है तेरा बात करने का बोले मैं ना रहे करके तमीज नहीं है बोले बात करने का मैं इतना इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ तुम हाँ हाँ बोल के बोले मेरा फोन रख दिया मलर की माँ का भाई क्या बोला मेरे को तो समझा ही नहीं मैं बोला सर मेरे को मराठी नहीं आता है आप क्या बोले मेरे को थोड़ा बहुत समझा मैं काम कर रहा था इसलिए मैं ऐसे किया समझे क्या भाई लैंग्वेज बैरियर हो गए एकदम दैट्स अ लैंग्वेज बैरियर मेरे को नहीं समझा था क्या हो रहा था वो ठीक है अब कल्चरल बैरियर कल्चरल बैरियर समझो तुमको पता है आज भी साउथ तरफ में बड़े बड़े जो सीईओ सीएफओ जो बड़े बड़े कंपनी के प्रमोटर हैं वो ऊपर सूट पहनेंगे टाई पहनेंगे लेकिन नीचे आज भी वो धोतीच पहनते पता है कि नहीं पता तुमको वो धोतीच पहनते तो भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कल्चर होता है समझ में ही बात कई कई कंपनी है जहाँ पे बहुत कैजुअल कल्चर है आपका काम हो गया आप काम हो गया आप घर चले जाओ रोज का टारगेट पूरा करो घर चले जाओ कुछ ऐसा रहता है भाई काम पूरा हो गया लेकिन फिर भी तुमको ऑफिस में शाम को सात बजे तक बैठना ही पड़ेगा समझ में आई क्या बात ठीक है तो दैट्स तो अ कल्चर बैरियर तो वो कल्चर बैरियर भी अपने को समझना पड़ेगा बहुत सारे जो कंपनी है ना जब नए जब नए इम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तो उसको पहले कल्चर सिखाया जाता है और कल्चर आपको सीखना जरूरी है इस समय में कि साउथ में कैसा कल्चर है वेस्ट में कैसा कल्चर है नॉर्थ में कैसा कल्चर है क्योंकि आप जब भी जाओगे ना वो आपको कल्चर सीखा हुआ आपको हेल्प करेगा तो कल्चर बैरियर भी होते हैं आप कल्चर अडॉप्ट नहीं कर पाओगे शायद बराबर है क्या माइड वी आप कल्चर अडॉप्ट ना कर पाओ इमोशनल बैरियर कई लोग ईगो में जलन के मारे से कुछ बात नहीं करते मैं क्यों बात करूंगा उससे अब पता है आप एब्सेंट हो वो रेगुलर आता है लेकिन आप आगे से नहीं मांगोगेट था, क्या? क्या था नोट्स अच्छा, बनाया था? मैं आया नहीं था बोले उस दिन, क्लास में। ये नहीं बोलेगा कि, दे, दे, कि वो आगे से बोले अच्छा नहीं आया था तो मैं आपको अपना नोट्स दे दू क्या barrier, कोई शर्माता है कोई ईगो दिखाता है कोई गुस्से में रहता है तो बात नहीं करता है। किसी का एटीट्यूड बैरियर किसी का एटीट्यूड बैरियर है शर्म आता है एटीट्यूड क्या है लेजी है लेजी है कई लोग का एटीट्यूड ऐसा है अभी मेरे को कई लोग ना कई बच्चे सर मेरे को पता नहीं था आप लिए एक बार और ले लो अरे वाह भाई तुम पोगो देख रहे थे घर पे बैठ के जब मैं मेन कराया था तुम बोल रहे हो अभी करा दो तब सो रहे थे तब एटीट्यूड ही नहीं था तुम्हारे पढ़ने का दैट्स एटीट्यूड बैरियर इसीलिए तो तुम लेजी थे तुम वीडियोज देखते ही नहीं थे काम के इसीलिए तो तुमको पता नहीं चला कि लेक्चर हो भी रहे थे करके अब जाग रहे हो क्योंकि अब सिर में एग्जाम है ठीक है जी परसेप्शन बैरियर परसेप्शन बैरियर का मतलब ये होता है आप बोल कुछ रहे हो सामने वाला समझ कुछ रहा है परसेप्शन अलग है अब इसका एक नंबर एग्जाम्पल देता हूं एक नंबर ठीक है परसेप्शन देखो दिमाग में क्या चलते रहता उसके है उसके हिसाब से इंसान सोचता ध्यान से सुनना हमारे दो घर हैं जहां जिस घर में मैं पढ़ा रहा हूं ये और एक सामने जस्ट सामने घर है वहां पे हॉस्टल भी है गर्ल्स हॉस्टल और हमारा घर भी है वहाँ पे ठीक है दो घर हैं हमारे इधर ही उधर मेरी नानी रहती है मतलब दोनों जगह रहती है नानी नानी उधर रहती है एक दिन नानी क्या वहां से इस वाले घर पे देख रही थी ठीक है तो देख रही है देख रही है देख रही करके माहौल क्या चल रहा है अभी कोरोना का मेरे बाजू घर में चाचा के घर में छोटे से लेके बड़ा पॉजिटिव है ठीक है ना नाउ इट्स क्वाइट नॉर्मल तो मेरी नानी वहाँ से देख रही थी मैंने बोला नानी मम्मी क्या हुआ मम्मी को भेजू क्या मेरे को लगा मम्मी से कुछ काम होगा तो बोली क्या एक तो सुनाई कम देता है फिर मैंने बोला कि मैं मम्मी को भेजूँ क्या फिर नहीं सुनाई दिया फिर मैं बोला अरे मम्मी को भेजूँ क्या फिर नहीं सुनाई दिया मतलब जाने, जाने दो जाने दो बोल के मैं अपने रूम में आ गया उनने क्या सुना पता है क्या कि मेरी मम्मी को कोरोना हो गया क्या तीसरी बार मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया तीन बार में वो सुन नहीं रही है और माहौल यही चल रहा है हर जगह कोरोना कोरोना जो बात हो रही कोरोना ही हो रही दिमाग में कोरोना ही भरा हुआ है समझे क्या परसेप्शन दिमाग में भरा हुआ है वो मेरी मम्मी को कॉल कर रही वहां से रो रही है कि हाय मेरे को ये बताया तेरे को कोरोना हो गया रो रही है मैं बोला भाई बोल क्या रहा हूं तुम सुन क्या रहे हो ठीक है ओ गड़बड़ है तो देखो यहाँ पे परसेप्शन बैरियर एंड ऑफ वन एस परसीव द वर्ल्ड डिफरेंटली हम लोग कुछ डिफरेंट सुन लेते हैं और ये प्रॉब्लम होती इन कम्युनिकेटिंग द सेम कंटेंट इज सीन एंड इंटरप्रिटेड डिफरेंटली बाई टू पीपल समझे क्या साइकोलॉजिकल बैरियर अब देखो इसका साइकोलॉजिकल बैरियर तबीयत खराब है दिखाई कम दे रहा है सुनाई कम दे रहा है अभी सुनाई कम दे रहा वाला भी साइकोलॉजिकल बैरियर था बराबर है क्या टेक्नोलॉजी बैरियर पुरानी टेक्नोलॉजी अगर मैं यूज करूं अब देखो इसके पहले भी मैं लाइव आता था बट मेरे पास ये डेस्कटॉप नहीं था आज मेरे पास ये डेस्कटॉप है मेरे पास अच्छा कैमरा है मेरे पास हाई बिल्ट डेस्कटॉप है नीचे मेरे पास अच्छा वाला लैपटॉप है पहले मैं आता था तो लैग होता था पहले जब मैं लाइव आता था लैग होता था बहुत पहले अभी की बात नहीं कर रहा हूँ जब तुमको पढ़ा था बहुत लैग होता था क्यों टेक्नोलॉजी बैरियर है कम्युनिकेशन प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी सारा कुछ अपग्रेड किया अभी देखो यूट्यूब लाइव कितना शानदार चल रहा है आप सब अपने घर में बैठे हो मैं अपने घर में बैठ रहा हूँ पढ़ रहे हम लोग टेक्नोलॉजी बैरियर हट गया क्योंकि मैंने अपने आप को अपडेट कर लिया है बराबर है क्या जेंडर बैरियर भाई साहब जेंडर बैरियर जेंडर बैरियर क्या है भाई देखो इसमें मस्त बात लिखी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कोई भी ऑफेंड नहीं होगा मैं खुद ही यहाँ पे मार्क करूंगा आप देख लेना मॉड्यूल ने खुद क्या लिखा है ठीक है सुनिएगा ये देखो बोले मैन और वुमेन जो बोले भाई कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंटली रीजन क्या है इसका कि इनके वायरिंग में प्रॉब्लम है बोले इनकी जो ब्रेन की वायरिंग है ना बोले उसमें प्रॉब्लम है बोले मैन जो बोलता है बहुत लीनियर लॉजिकल और कंपार्टमेंटलाइज मैनर में बात करता है लेकिन वुमेन ना लॉजिक भी लगाती है इमोशन भी लगाती है और मोर वर्बोस वर्बोस का मतलब जितना बोलना रहता है उससे ज्यादा बोलती है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट बोल रहा है ठीक है बोले ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में जहां पे बोथ वुमेन और मैन दोनों काम करते हैं वहां पे प्रॉब्लम होती है बोले कैसे बोले मैन को बोला जाता है कि तू इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रहा है और वुमेन को ब्लेम किया जाता है कि तू तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल दे रही है बराबर है क्या तो बोले जेंडर ब्यास इज अनदर फैक्टर कम्युनिकेशन बैरियर में क्योंकि ट्रेडिशनल माइंडसेट में ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे मैन फिट होते हैं डिफिकल्ट टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वुमेन वुमेन से ऑर्डर नहीं ले सकते और वुमेन का ऑर्डर फॉलो भी नहीं कर सकते ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये आपका इंस्टीट्यूट ही बोल रहा है चलिए अब वापस एक बार कॉन्टेक्स में आ जाते हैं तो बैरियर सबसे पहला फिजिकल बैरियर है ठीक है जी चलो रिजल्ट ऑफ आवर सराउंडिंग नॉइज टेक्निकल डिस्टर्बेंस आउटडेटेड इक्विपमेंट डिस्टेंस लोकेशन ये सारे रीडेबल पॉइंट है जो मैंने एक एक करके आपको समझा दिए ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चर बैरियर्स ठीक है तो बोले यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस इन द प्रोसेस आर नॉट क्लियर मतलब बॉस कौन है यही नहीं पता है ठीक है चेन ऑफ कमांड अनक्लियर है किसको कांटेक्ट करना यही नहीं पता है इन इनअप्रोप्रियट इंफॉर्मेशन दी जाती है इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर लैंग्वेज बैरियर में क्या है लिटरली पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज में इंटरप्रिटेट द सेम बट डिफरेंटली अब जैसे गुजराती में गांडो होता है गांडो मैं गाली नहीं दे रहा हूँ गांडो बोल रहा हूँ हमारे छत्तीसगढ़ी में बस ओ की जगह यू लगा देते हैं दोनों का मतलब अलग है दोनों का मतलब अलग है समझ में आई क्या बात ठीक है डिफिकल्ट वर्ड्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी अनफेमिलियर एक्सप्रेशन ठीक है एम्बिगस वर्ड्स ये सारी चीज लैंग्वेज बैरियर है हर्डल क्रिएट करती किसमें कम्युनिकेशन में, में. बराबर है क्या ये सब एग्जाम्पल लिख के मत आ जाना भैया तुम्हारे को समझाने के लिए बताता हूं मैं कल्चरल बैरियर है देखो तो मैंने आपको बताया था देखो कि जो मल्टी नेशनल कंपनीज होती है ना वो बहुत सारे कोर्सेस करती है ताकि आपको कल्चर पता कर पाए हर जगह का हर रीजन का कल्चर अलग होता है पूरे ग्लोब में जाओगे तो कल्चर अलग है पूरे के पूरे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इधर इमोशनल बैरियर में अपन ने पढ़ा था देखो एंगर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म मिसट्रस्ट ऑफ पर्सन सस्पिशियस ऑफ एन जेलिसी ठीक है मैनी मोर फीलिंग सेंटीमेंट्स ये सारी अपन कैरी करते हैं ये सारे के सारे इमोशनल बैरियर हैं ठीक है पर्सन अगर अपसेट है पर्सन अगर डिस्टर्ब है तो वो ना पास कर सकता है इन्फॉर्मेशन ना रिसीव करेगा बोलते हैं ना यार मेरा बात करने का मूड नहीं यार मेरे से बात मत कर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो इमोशनल है ठीक है जी एटीट्यूड बैरियर मैंने आपको बताया शाए होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं लेजी इंप्लाई होते हैं हेजिटेट होते हैं बात करने में कोई इनिशिएटिव लेने में रिफ्यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने में एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत होती है गुड मैनेजमेंट अगर हो अच्छा स्टाफ हो तो सुधर जाएगी एम्बिगस का मतलब अनक्लियर जो वर्ड्स हैं उनका मतलब अपने को समझ में नहीं आ रहा है ठीक है जी टेक्नोलॉजिकल बैरियर मैंने आपको बता दिया देखो टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो गया यहां पे ये यह बोला है कि अपने को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी को न्यू फॉर्मेट में अगर कोई टेक फ्रेंडली नहीं है बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको इसमें पढ़ाना जमता ही नहीं उसको फेस टू फेस ही जमता है वो आते ही नहीं ऑनलाइन वो फेस टू फेस ही पढ़ाते हैं क्योंकि वो टेक फ्रेंडली नहीं है ठीक है चलिए फिर जेंडर बैरियर भी हो गया एंड यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन खत्म होता है ये केस स्टडी दी गई है जो आपको खुद से ही पढ़ना है और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं नीचे ये सब के सब इम्पॉर्टेंट है मॉड्यूल का आपको कुछ भी छोड़ना नहीं इसलिए मैंने पूरी मॉड्यूल का कवर कराया है कहीं से भी आपको तीन क्वेश्चन देगा दो मार्क्स का दो मार्क्स का दो मार्क्स का छः मार्क्स आपके अंदर है अगर आप इसको मेरे लेक्चर के बाद खाना खा के आराम करके दो घंटा इसको रिवाइज कर लिए छः मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता है पिछले पेपर को भी पलटा के देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे इसमें से डायरेक्ट आ रहे हैं और आपको वो पढ़ना है वी आर डन फॉर द डे बी का अपना अब मैं आपको बता दूं भैया जिसको लगता है कि मैं कुछ नहीं करवाता हूं कि कितना हो गया अपना चालीस मार्क्स में दस मार्क्स का पैसेज हो गया है एंड नोट मेकिंग हो गया है ठीक है पांच मार्क्स का लेटर हो गया है छे मार्क्स का कम्युनिकेशन हो गया ठीक है टोटल अब उन्नीस मार्क्स का सिलेबस है ठीक है रिविजन कैसे करना है भाई जो जो मैंने मार्क कराया है उसको पढ़ते जाओ पूरे एग्जाम्पल भी दी एग्जाम्पल के साथ बैठाओ और रिमाइंड कराओ अपने आप को दैट्स अ रिविज़न ठीक है सो उन्नीस मार्क्स का सिलेबस अभी बचा हुआ है और कल ये उन्नीस मार्क्स में पाँच मार्क्स और कम हो जाएंगे तो फिर अपना बचेगा चौदह मार्क्स ऐसे करके दो तीन दिन में ख़त्म हो जाएगा ठीक है जी चलिए चलो ये वीडियो अपलोडेड रहेगा लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आज के लेक्चर में मैंने बहुत जान डाली है आप कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया और देखो अभी भी एक सौ हाँ वन एटी एट लाइक है जिनने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो मैं इस वीडियो को यहीं पे बने रखे नहीं दूंगा लेकिन आप प्लीज कमेंट जरूर करना यहां पे कमेंट मत करना लाइव चैट में आप कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको लेक्चर कैसे लगा जिसका कमेंट अच्छा रहेगा पिन भी कर दूंगा ठीक है जी चलिए कमेंट मेरे को लाइव चैट में आप कर चुके हो मेरे को आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना मैं आपका आभारी हो जाऊंगा ठीक है जी चलिए चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कल मिलते हैं अपन सेम टाइम में मिलेंगे साढ़े ग्यारह बजे और अगर चेंज होगा मैं टेलीग्राम के ग्रुप में बता दूंगा जो ज्वाइन नहीं हुआ है टेलीग्राम के ग्रुप में प्लीज ज्वाइन हो जाओ ये गलत टेलीग्राम का आ गया नाम यहाँ पे वो नहीं है आप यहाँ पे बच्चों से किसी से भी मतलब सर्च इंजन में जाके लिखो ए सी टी स्पेस सी ए फाउंडेशन तो वो चैनल आएगा वो ज्वाइन कर लेना ठीक है जी चलिए मैं बहुत अच्छा हूँ कमल भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ मैं यस यस शुक्रिया 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 ठीक है जी अरे भाई पहले इंटर में पहुंच जा फिर आराम से बात करेंगे बहुत जम के भूख लगी है आप आराम से कमेंट करना अपना फर्ज पूरा करना अपन आराम से और बात करते चलो बाय 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 टेक केयर ऑल ऑफ यू बाय